उसला सर मैम, थैंक यू सो मच मैम। नमस्कार, आदरणीय श्रीमती रिमझिम सिंह अध्यक्ष कावा, उपाध्यक्ष कावा श्रीमती मीनाक्षी गोयल, सभी जोनल हेड्स, इस सभागार में उपस्थित सभी सीईसी मेंबर्स, प्रोफेसर अनुराधा चुग आज के कार्यक्रम की हमारी कीनोट स्पीकर, कार्यक्रम की मेंटोर श्रीमती द्रक्षिणी हैदरी जोनल हेड जेएनके जोन, आज के प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर श्रीमती आशा सिंह रीजनल कावा हेड ग्रुप सेंटर न्यू दिल्ली, फेसबुक तथा यूट्यूब के माध्यम से जुड़े अन्य सभी रीजनल कावा हेड्स, सीआरपीएफ के अधिकारीगण, कार्मिक एवं उनके परिवारजनों का मैं युवराज कुमार द्वितीय कमांड अधिकारी सह ज्वाइंट सेक्रेटरी कावा आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सीआरपीएफ परिवार कल्याण संस्था द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु वार्षिक गतिविधि कैलेंडर जारी किया गया था, जिसके तहत माह जनवरी 2024 को विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी के संबंध में व्याख्यान श्रृंखला हेतु चयनित किया गया है। व्याख्यान श्रृंखला के सभी कार्यक्रमों को वर्चुअली आयोजित किया जाता है तथा सीआरपीएफ के कार्मिक एवं उनके परिवारजनों के लिए इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सीआरपीएफ यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पर भी किया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम सभी लेक्चर सीरीज वर्ष 2023-24 के तीसरे विषय के आयोजन हेतु यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज के विषय पे विभिन्न क्षेत्रीय कावा द्वारा इस पूरे मंथ में अलग अलग एक्टिविटीज भी कराए गए हैं। मैं आईटी विंग से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे विभिन्न रीजनल कावा सेंटर्स के द्वारा इस महीने इस विषय पे जो कार्यक्रम अपने स्तर पर आयोजित कराए गए हैं उनकी एक झलक हम सभी को दिखाएं। तो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है उन क्रियाकलापों की एक झलक जहां जहां पर रीजनल कावा सेंटर्स ने ये प्रोग्राम कराए हैं। रीजनल कावा सेंटर ग्रुप सेंटर न्यू दिल्ली, इन्होंने अपने अपने जगहों पे भी जो भी प्रोमिनेंट स्पीकर्स उस जगह के थे उनको उन्होंने इनवाइट करके ये प्रोग्राम आयोजित करवाए हैं। नेक्स्ट प्लीज। रीजनल कावा ग्रुप सेंटर भुवनेश्वर, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर पिंजौर, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर संबलपुर, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर बेंगलुरु, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर ग्वालियर, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर खटखटी, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर श्रीनगर, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर अगरतला, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर नागपुर, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर पल्लीपुरम, रीजनल कावा थर्ड सिग्नल बटालियन कोलकाता, रीजनल कावा फिफ्थ सिग्नल बटालियन चंडीगढ़, रीजनल कावा 100 आरएफ बटालियन अहमदाबाद, रीजनल कावा 101 आरएफ बटालियन प्रयागराज, रीजनल कावा 206 कोबरा बटालियन भंडारा, रीजनल कावा 207 कोबरा बटालियन वेस्ट मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल। थैंक यू। सो ये हमारे उन कुछ जगहों की एक झलक थी। वैसे बाकी रीजनल कावा सेंटर्स ने भी अपने अपने जगहों पे ये कार्यक्रम कराए हैं, लेकिन समय से उनके फोटोग्राफ या इन्फॉर्मेशन हम कावा को नहीं मिल पाया है। तो मैं सारे रीजनल कावा सेंटर से फिर से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपने स्तर पर जो भी इस प्रोग्राम को कराते हैं आप समयबद्ध हमें कावा के मेल आई डी पर भेज दिया करें, ताकि जब हम ये सूचना आप सबको शेयर कर रहे हो तो आप उसमें ना छूटें। वक्त जाया न करते हुए अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा श्रीमती आशा सिंह रीजनल कावा हेड ग्रुप सेंटर न्यू दिल्ली से कि वे आज के विषय पर व्याख्यान देने के लिए हमारे मुख्य व्याख्याता प्रोफेसर अनुराधा चुग जो इस समय सभागार में उपस्थित हैं का संक्षिप्त परिचय यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों तथा वेबिनार के माध्यम से जुड़े सभी सदस्यों एवं कार्मिकों से कराएं, साथ ही आज के महत्वपूर्ण विषय पे अपने व्याख्यान एवं विचार रखने के लिए उन्हें आमंत्रित करें। ओवर टू श्रीमती आशा सिंह। दिवस के मंचार उपाध्यक्ष श्रीमती मीनाक्षी गोयल, सभी जोनल कावा अध्यक्षा, समस्त सीईसी सदस्य, वेबेक से जुड़े क्षेत्रीय कावा प्रमुख, उपस्थित अधिकारीगण, लेडी वाइफ्स, कैरियपुर बल के विभिन्न कार्यालयों के कार्मिकों के परिवार एवं कावा परिवार कल्याण केंद्र के सदस्य, बल द्वारा संचालित कावा बल के कार्मिकों के परिवार के कल्याण के लिए समर्पित है। मैं डॉक्टर आशा सिंह, पत्नी श्री विनय कुमार सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रुप केंद्र नई दिल्ली, महानिदेशालय में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम में डॉक्टर अनुराधा चुग जो कि वर्तमान में USICT गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय नई दिल्ली में प्रोफेसर हैं का हार्दिक अभिनंदन करती हूं एवं इस कार्य दिवस में स्वागत करती हूं।
आज इस कार्य दिवस में हम सभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और समाज पर इसका प्रभाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी के विषय में डॉक्टर अनुराधा चुग द्वारा दिए जाने वाले उद्बोधन को सुनने तथा उससे मिलने वाले लाभों को जानने के लिए इकट्ठा हुए हैं। डॉक्टर अनुराधा चुग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में PhD हैं। आपके पास 30 वर्षों से भी अधिक का शिक्षण अनुभव है और भारत के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं में आपने शिक्षण क्षेत्र में विभिन्न भूमिकाएं निभाई है। वर्तमान में आप नई दिल्ली में USICT गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, अन्य कई सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा एक्टिव जैसे संस्थानों में आपने अतिथि संकाय, नियमित संकाय, अकादमिक प्रमुख और कार्यक्रम समन्वय के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एमटेक आईटी कार्यक्रम में टॉप करना, 2006 में स्वर्ण पदक प्राप्त करना और वनस्थली विद्यापीठ से स्वर्ण पदक के साथ कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल करना आपकी महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपलब्धियां हैं। डॉक्टर अनुराधा चुग एक कुशल शोधकर्ता है जिनके शोध पत्र 100 से भी अधिक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स में विशेषता के साथ विभिन्न पत्रिकाओं और सम्मेलनों के लिए एक समीक्षक और संपादकीय बोर्ड के सदस्य के रूप में भी कार्य करती रही हैं। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में IoT के अनुप्रयोग पर DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वित्त पोषित परियोजना में आपकी विशेषज्ञता को मान्यता दी गई है। आपको IoT के डिजाइन करने एवं विकसित करने का शौक है और आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों, सम्मेलनों और FDPs फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में एक लोकप्रिय एवं स्थापित वक्ता हैं। अब मैं डॉक्टर अनुराधा चुग से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे आज के विषय पर अपना उद्बोधन एवं संबंधित जानकारी हम सभी के साथ साझा करें। डॉक्टर अनुराधा चुग। थैंक यू डॉक्टर आशा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। रिस्पेक्टेड श्रीमती रंजन सिंह जी, रिस्पेक्टेड दी अध्यक्ष कावा एंड श्रीमती मीनाक्षी गोयल उपाध्यक्ष कावा, also Shri Drakshna Hedri who is the mentor of this particular event, webinar se jude hue sabhi zonal heads, regional kawa heads, CRPF ke adhikari, samast parivarik sadasyon am bachchon ko mera namaskar, bahut sari shubhkamnaye. main mujhe aaj bahut hi acha lag raha hai, main ye batana chahti hu is avsar par ki mere husband khud ek army officer hain aur maine pichle 30 saalon mein जगह जगह पोस्टिंग्स हुई हैं और उनमें आवा के साथ बहुत बार काम किया है और परिवारों के साथ जुड़ के देखा है मैंने कि किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह की चीजें हैं। उसके बाद मैं दिल्ली में सेटल हुई, मैंने इस IPU यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ज्वाइन किया और अभी पिछले 17 साल से मैं यहाँ पे रिसर्च मेंटर ये सब काम है, कुछ पेटेंट्स भी हैं, कुछ रिसर्च भी हैं, कुछ हमारे काम भी हैं और मेरा मुख्यतः सारा काम AI और IoT में है। तो मैं कोशिश करूंगी अपनी तरफ से कि मैं आप सब पर परिवार जनों के साथ मिलकर जो नया क्या हो रहा है ये भी बात करें और क्या इसके सोशल इम्पैक्ट्स हैं उस पर भी बात करेंगे और साथ साथ क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है। कुछ सिक्योरिटी के ऊपर भी मैंने कुछ चीजों को कोशिश किया है कवर करने की। मेरा मोड ऑफ इंग्लिश और हिंदी मिक्स, मोस्टली हिंदी, कहीं कहीं कुछ शब्द जो शब्द मैं इंग्लिश में ही जो यूज होते हैं मैं कोशिश करूंगी कि जितना भी हो सकेगा उसको हम यूज करेंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो लेट्स स्टार्ट माय सेशन विद दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद कि हम AI आपकी जिंदगी में कहां कहां पे पहुंची है। तो सबसे पहले मैं आपको मेरी स्क्रीन सबको दिख रही होगी,
तो हम जिक्र कर रहे हैं AI, IoT एंड इट्स इम्पैक्ट इन सोसाइटी. सो द वेरी फर्स्ट स्लाइड जो हमारी है उस पे मैंने आपको एक ऐसा दिखा करते हैं. हम Amazon पे जाते हैं, हमारा बच्चा हमको कहता है कि मेरे को मम्मी रूबिक क्यूब खरीदना है, और हम जाते हैं और एक रूबिक क्यूब को चूज करते हैं. जैसे ही हम एक चूज करते हैं, एड टू कार्ट करते हैं और प्रोसीड टू पेमेंट करते हैं, हमारे सामने ये 5 रूबिक क्यूब और दिखने शुरू हो जाते हैं और एक मैसेज आता है, जिन्होंने ये लिया है, those who have purchased this have also shown interest in this. होता क्या है, आपके साथ आपका बेटा बैठा है, वो आपको ऑटोमेटिकली कहता है कि मुझे ये भी चाहिए, प्लीज मम्मी एक और दिला दो, प्लीज ये एक और दिला दो. और हम चाहते ना चाहते हुए हमने एक क्यूब दिलाया था, हमको एक की जगह 2 या 3 क्यूब दिलाने पड़ते हैं. क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा माइनिंग एल्गोरिथम चल रहा है जिसका नाम है एप्रियोरी एल्गोरिथम. जो क्या करता है, जब भी कोई एक प्रोडक्ट सेल होता है उसका किस किस चीज से एसोसिएशन है वो स्टोर कर लेता है. क्यों? क्योंकि कंपनीज का मकसद है अधिक से अधिक बेचना अपने सामान को और इस जगह पे आना. तो यहाँ पे देखिए आप किस तरह से AI आपकी जिंदगी में एक मशीन लर्निंग आपके उसमें आ रहा है. हम अक्सर ये सोचते हैं कि AI एल्गोरिथम काम कैसे करता है. मैं आपको एक बहुत ही सिंपल चीज बताना चाहूंगी कि AI कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है. AI एल्गोरिथम्स या जिसको हम कहते हैं जो कि डेटा पे बेस्ड होता है, ये आपके व्यवहार को ऑब्जर्व करता है और जो आप कर रहे हैं उसी को कॉपी करते हैं. इसको मैं आप एक सिंपल से एग्जांपल से आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ. मैं नौकरी करती हूँ, मेरा बच्चा स्कूल जाता है, रोज 2 बजे स्कूल से आता है, 5 बजे तक अपना होमवर्क करता है, ड्रेस चेंज करता है, खाना खाता है, 5 बजे मुझे रोज कॉल करता है मेरे ऑफिस में कि मम्मी मेरे को नीचे लॉन में खेलने जाना है. मैं उससे एक निश्चित सवाल पूछती हूँ, होमवर्क हो गया, ड्रेस चेंज हो गई, लंच हो गया, बैग जगह पे पहुंच गया, टिफिन धोने में डाल दिया, वगैरह 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 वगैरह. और उसके बाद मैं देखती हूँ बाहर मौसम कैसा है, धूप है, छांव है, बारिश है, स्नो है, क्या है, और उसके बेसिस पे मैं एक निर्णय लेती हूँ और उसे मैं कहती हूँ कि हाँ तुम खेलने जाओ या हाँ तुम खेलने नहीं जा सकते. एक दिन अचानक से मेरा फोन नहीं लगता है. मेरे घर में मेरी एक फुल टाइम मेड है. नेचुरली अगर उसका फोन मुझे नहीं लगा तो उसने उस मेड से पूछा कि दीदी मैं खेलने जाऊं. अब उस मेड ने क्या किया, उस मेड ने एग्जैक्टली मुझे कॉपी किया कि मैम साहब क्या क्या चीजें पूछती हैं. मैम साहब पूछती हैं पहला सवाल होमवर्क किया, दूसरा पूछती हैं खाना खाया, कपड़े बदले, जगह पे सब चीजें रखी. तो अगर वो सब चीजें की हो, बाहर मौसम ठीक है, बारिश नहीं है, स्नो नहीं है, लू नहीं चल रही है, तो वो उसके हिसाब से जैसा निर्णय मैं लेती थी वैसा ही निर्णय वो अपने लेवल पे लेगी. दिस इज एग्जैक्टली द AI. एग्जैक्टली द AI. AI क्या करता है, आपके अपने पिछले डेटा को ऑब्जर्व करता है. ये आपके क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं वेरियस एट्रीब्यूट्स, और अपनी भाषा में अगर हम नॉर्मल कहें तो वेरियस फैक्टर्स है जिसके बेस पे मैं निर्णय लेती हूँ. ये क्या करते हैं, हर एक फैक्टर का एक वेट होता है, उस वेट के बेसिस पे हम निर्णय लेते हैं. जैसे कि अगर बहुत तेज स्नो हो रही है तो बेशक उसने होमवर्क किया हो, बेशक उसने हर काम किया हो, फिर भी मैं नहीं खेलने जाने दूंगी. बारिश हो रही है, नहीं जाने दूंगी. लेकिन अगर उसने ये सब सिचुएशंस ठीक हैं तो मैं होमवर्क पे आती हूँ या बाकी सब कामों पे आती हूँ. AI एग्जैक्टली यही करता है. हम क्या करते हैं, आपके सामने मैंने एक टेबल दिखा रखी है, इसमें कुछ मेरे एट्रीब्यूट्स हैं जिसके बेसिस पे नेम है, रैंक है, ईयर है, उसके बेस पे डिसाइड होता है कि उसका टेन्योर है या नहीं है. इसने क्या किया, एग्जैक्टली इसके बेसिस पे एक डिसीजन ट्री बना ली. अब क्या हुआ, जब उसको खुद निर्णय लेना है तो उसने वही पाथ को ट्रेवल किया. क्या नाम है, नाम से कोई मतलब नहीं है, तो उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को कोई वेट नहीं दिया जाएगा, रैंक को दिया जाएगा, ईयर को दिया जाएगा, और उसी पाथ को एग्जैक्ट ट्रेवल करते हुए जो निर्णय मैंने लिया वही निर्णय कंप्यूटर ने लिया. दिस इज AI. सो AI आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि आप कैसे काम करते हैं. जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट AI में एल्गोरिथम यूज होता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए हमारी नई नई शादी हुई है और हम अपने पति के साथ नया नया उसकी फील्ड पोस्टिंग जहां है वहां पे आए हैं. हमने पहले दिन चाय बनाई है, हमारे पति ने हमसे कहा नहीं बहुत मीठी हो गई. मैंने क्या सीखा, मैंने सीखा कि अगले दिन जब चाय बनाऊं तो चीनी थोड़ी कम कर लूं. अगले दिन मैंने चाय बनाई, उन्होंने कहा कि थोड़ी तुमने उबाल ज्यादा दी है. तो मैंने क्या सीखा, मैंने सीखा कि मुझे इसको कम बॉईल करना है.
इस तरह से मैं क्या कर रही हूँ, ये वेरियस इसको हम कहेंगे एट्रीब्यूट्स, और ये एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, वेरियस वेट्स जिसको हम कम ज्यादा कर रहे हैं। एआई कुछ भी नहीं है, एआई जिसका कि बहुत फेमस एल्गोरिथम है जिसका नाम है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, वो एग्जैक्टली इसी पे काम करता है। जितने भी एट्रीब्यूट्स उस डिसीजन को लेने में हेल्प कर सकते हैं उन सभी एट्रीब्यूट्स को एक वेट देता है, उन वेट के बेसिस पे जो हमने निर्णय लिया उसके बेसिस पे वो निर्णय लेता है और अकॉर्डिंगली वो काम करता है। आपको लगता है कि ये बहुत मतलब बहुत समझदार है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो वही कर रहा है जो हम उसे बता रहे हैं। इसलिए कुछ लोगों को ऐसा सुनने में आता है आजकल कि एआई आने से हमारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, ऐसा अक्सर पूरे समाज में ऐसी भ्रांति फैलाए दी गई है। पर मैं आप सब लोगों को आज से 10 साल 15 साल पुराना बैकवर्ड में ले जाना चाहूंगी, जब आपकी फील्ड पोस्टिंग, मैं बात करूंगी 1997 की जब हमारी फील्ड पोस्टिंग थी और हम उन दिनों आसाम में मिसामारी में पोस्टेड थे। आप ये देखिए तब हम फोन पे कैसे बात करते थे, मेरा पीहर बीकानेर में था, हम महीने में एक दिन लामा कैंप से जो हमारा 3 टन 2 टन होता है उससे हम लामा कैंप से मिसामारी आते थे, वहां पे एक ही टेलीफोन बूथ होता था, बारियां लंबी लगती थी। तब मेरे पति कैप्टन थे, थोड़ा हम पीछे थे, जो थोड़ा कर्नल होते थे वो थोड़ा आगे होते थे, बड़ी लंबी हमें अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था और उसके बाद अपनी मम्मी से या पापा से महीने में एक बार ही बात हो पाती थी। आजकल देखिए आप क्या है, आप तुरंत उठाइए वीडियो कॉन्फ्रेंस करिए। यानी कि ये सोचिए कि अगर मैंने 1997 में ये सोचा होता कि कंप्यूटर आने से नौकरियां खत्म हो जाएंगी तो क्या वाकई में खत्म हुई, नहीं हुई। उसने क्या किया, उसने आपके कुछ ऑटोमेटेड कामों को संभाल लिया और आपको फ्री किया, आप कुछ और नया रिसर्च कर पाए, आप कुछ नई काम कर पाए। जैसे कि जो काम इंटरनेट ने किया, इंटरनेट किस तरह से काम करता है, आप सब फैमिलीज हैं, अपने घर पे हैं, सपोज करिए आपके हस्बैंड हैं वो कहीं फील्ड में पोस्टेड हैं, लेट्स से मान लेते हैं श्रीनगर में, बारामूला में, हैदराबाद में कहीं पोस्टेड हैं। अब आपको उनसे बात करनी है, आपने उठाया अपना वीडियो कॉल लगाया, व्हाट्सएप पे लगाया, तो यानी कि आपके फोन को भी एक आईपी एड्रेस मिला हुआ है और उनके फोन को भी एक आईपी एड्रेस मिला हुआ है जिसके थ्रू आप इंटरनेट में काम कर रहे हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, ये सब खत्म होने के बाद हम एक प्रोसीड कर रहे हैं एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ जिसका नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नाम से ही लगता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी हम हर चीज को एक एड्रेस देने वाले हैं। हर चीज को माने, पहले 64 बिट में काम होता था, अब 128 बिट में, 256 बिट में काम हो रहा है। यानी उसका ये मतलब हुआ कि मैं अपने घर में अपने फ्रिज को भी एक एड्रेस दे सकती हूँ, अपने एसी को भी एक एड्रेस दे सकती हूँ, अपने गीजर को भी एक एड्रेस दे सकती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ बैठी आपका लेक्चर ले रही हूँ और अचानक से मुझे याद आ गया, अरे आज तो मैं गीजर ऑफ करना भूल ही गई, तो मैं तुरंत अपने मोबाइल में जाऊंगी, स्मार्ट होम पे जाऊंगी, वहां पे गीजर पे जाके उसको ऑफ करूंगी और मेरा ऑफ हो जाएगा। या मेरा यहाँ सेशन खत्म होता है, मैं घर की तरफ प्रोसीड करती हूँ या ऑफिस की तरफ प्रोसीड करती हूँ, मुझे ये चाहिए कि मेरा बेटा 2 बजे स्कूल से घर आएगा, उसको उसी टाइम गर्म गर्म चावल मिले, तो मैं यहीं से बैठ के ठीक 1:40 पे अपना राइस कुकर ऑन कर देती हूँ ताकि वो जब घर में एंटर हो तो उसको बढ़िया सी गर्मा गर्म राइस, गर्मा गर्म बिरयानी मिले। यानी इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें जो राइस कुकर है या वो गीजर है या एसी है, हर चीज को एक आईपी एड्रेस दिया जाएगा और उस आईपी एड्रेस को आपके मोबाइल से कनेक्ट किया जाएगा। तो जैसे कि आप एक फोन से दूसरा फोन आईपी एड्रेस के थ्रू करते हैं, वैसे ही आप अपने फोन से हर चीज कनेक्ट करेंगे। तो जो आपने अभी तक यूपीआई सीखा होगा, मेरे हिसाब से आप सभी बहनें जितनी भी हैं सब लोग यूपीआई से थोड़ा बहुत पेटीएम करती होंगी, कभी सब्जी लेने गए या कभी सामान खरीदा, डेफिनेटली आप लोग पेटीएम करते होंगे। परंतु अब आपको और आगे ये सीखना है कि इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप ये कतई मत सोचिए कि एआई आने से हमारी नौकरियां कम हो जाएंगी, या जो लोग कह रहे हैं बैंकों में, आपको ध्यान होगा आज से 20 साल पहले जो क्लर्क होते थे वो कंप्यूटर के ऊपर धीरे सी अपनी चाय डाल दिया करते थे। क्यों, 1992-93 की बात बता रही हूं आपको मैं, क्यों, क्योंकि उस टाइम ऐसी समाज में भ्रांति थी कि एक कंप्यूटर आएगा 5 क्लर्क का काम करेगा, क्लर्कों की तो छुट्टी है, उनकी तो नौकरी जाने वाली है। अब आप सोचिए क्या 20 साल बाद उन क्लर्कों की छुट्टी हो गई, ऐसा नहीं हुआ ना।
उल्टा कंप्यूटर ने हमारी जिंदगी को आराम भी दिया और इन्वेंट होने की वजह से और अधिक नौकरी के एवेन्यूज बनते चले गए। सिमिलरली आईओटी के अंदर एआई के अंदर भी ऐसा ही होने वाला है। आप और ईज आपको मिलेगा और ईज मिलेगा और कंफर्ट मिलेगा और नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी और नया नया, जैसे अभी अभी आप सिर्फ चेहरा देखते हैं अपने पति का, अगर वो सपोज करिए बारामूला में पोस्टेड है और आप लेट्स से दिल्ली में अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ बैठे हैं तो आप सिर्फ चेहरा देखते हैं। अभी आने वाले समय में अगर आपके ये कुछ स्मेल्स को भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें इनकलकेट किया जाए, यानी कि अगर आपके पति ने आपको बारामूला से एक गुलाब भी दिया है तो वी आर ट्राइंग कि वो आपके मोबाइल से वो स्मेल्स ओरिजिनेट हो कि आप उसको एक्चुअल में फील कर पाए। एक और चीज ओरिजिनेट हो रही है जिसको हम बोलते हैं मेटावर्स। उसमें क्या होगा, आप कैमरा यहाँ पे 3D कैमरा लगाएंगे तो अपने आप को उस जगह पे महसूस कर पाएंगे कि आप वहीं पे खड़े हैं। उस 3D कैमरे की मदद से आपको अगर आप एग्जैक्टली हाथों को ऐसे फैलाएंगे तो आप उन फूलों को टच कर पाएंगे जो वहां पे उस खेत में है। तो सपोज करिए अगर आपके हस्बैंड जो कि बारामूला में है और बाहर फील्ड में खड़े हैं और कह रहे हैं कि यार देखो कितना सुंदर केसर लगा है, तो वो जो कैमरा लगा हुआ है उस कैमरे की हेल्प से अगर आप यूं हाथ फैलाएंगे तो आप एग्जैक्टली उन केसर के फूलों को महसूस कर पाएंगे दिल्ली में बैठ के। आजकल ये काफी जगह चल रहा है, ये अभी तक मॉन्यूमेंट्स को इस तरह से बना दिया गया है। मॉन्यूमेंट्स इन द सेंस कि जैसे मान लो यहाँ बैठी हूँ और मेरे को आइफल टावर पेरिस जाने का बड़ा मन है, लेकिन अब अपनी समस्याएं हैं, अपना बजट है, पति तो वहां ले जा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम इस मेटावर्स की हेल्प से, इस 3D व्यू की हेल्प से, हम वो कैमरे की हेल्प से एग्जैक्टली अपने आप को उस जगह पे इमेजिन कर सकते हैं। सो इसका मतलब आप ये सोचिए कि क्या AI वाकई में आपकी लाइफ के साथ आपको नौकरी हटाएगा? बिल्कुल नहीं हटाएगा, वो बल्कि आपको और कंफर्ट्स देगा और फैसिलिटीज देगा और इसके अंदर इस तरह से ये काम करेगा। तो मतलब ये हुआ कि हमें ये समझ में आया कि बेसिकली AI जो है वो आपके डेटा को, आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है और अकॉर्डिंगली अपने एल्गोरिथम्स बना लेता है। ये जो एल्गोरिथम्स होते हैं जो बैकग्राउंड में काम करते हैं, इन एल्गोरिथम्स का मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेक्निकल है। मशीन लर्निंग, इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम, एक्सपर्ट सिस्टम, स्पीच इंटरप्रिटेशन, रोबोटिक्स, विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड न्यूरल नेटवर्क, ये वेरियस एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर AI काम करता है। एक एग्जांपल मैंने आपको मशीन लर्निंग दिया, एक एग्जांपल मैंने आपको इवोल्यूशनरी दिया। इवोल्यूशनरी देना मतलब जैसे मैं बोलती हूँ वैसे ही वो सोच रहा है, इवोल्यूशनरी ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करना। एक्सपर्ट सिस्टम माने तो जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप डॉक्टर के पास अभी आजकल एक मेडिकल साइंसेस ने देखिए आप IoT की हेल्प से कितनी खूबसूरत एक इन्वेंशन हुआ है कि अगर आप बहुत रिमोट एरिया में बैठे हैं, सपोज करिए आप दांतेवाड़ा के पास किसी गांव में बैठे हैं, आपकी यहाँ पोस्टिंग आई हुई है और अचानक से आपको कुछ सिम्टम्स हैं जिसमें आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सकते, अब टेली मेडिसिन, उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, आपने अटैच किया अपने आप को डॉक्टर से जो कि बहुत दूर है, उनसे आपका कन्वर्सेशन हुआ, सिम्टम्स पर डिस्कस हुआ, अब उसके बाद वो ड्रोन की हेल्प से आपको एग्जैक्टली वो आपको डिलीवरी आपके वहां तक पहुंच जाएगी। सोचिए कितना खूबसूरत इन्वेंशन है ये साइंस का, जिसमें AI और IoT और रोबोटिक्स तीनों मिलके कल्मिनेशन है इन तीनों टेक्नोलॉजीज का और ये अचीव कर रहे हैं। ऐसे ही स्पीच इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे आपने कभी कंप्यूटर पे कभी YouTube पे देखा होगा, मैंने हिंदी में बोला, सामने वाला अगर फ्रेंच समझता है तो उसको आपस में भाषा को तुरंत कन्वर्ट करता है, गूगल ट्रांसलेटर सब अगर आप लोगों ने सुना है तो बहुत अच्छी बात है, जिन बहनों ने नहीं सुना है वो जरूर इसके ऊपर सुनिएगा, YouTube के ऊपर सुनिएगा। गूगल ट्रांसलेटर, गूगल लेंस एक तरीके की फैसिलिटी है जिसमें हम ये काम कर सकते हैं। रोबोटिक्स हर जगह पहुंच रहे हैं, हर जगह, यहाँ तक कि इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, यानी कि जहां बड़ा बड़ा लोहा और सब चीजें मेल्ट होती है, जहां ह्यूमन बींग का पहुंचना एक गलत है, वहां हम रोबोट को पहुंचा के कितना अच्छा काम कर सकते हैं, सोचिए इस बारे में। विजन, अभी तक आप सपोज करिए बिग बाजार गए या विशाल मार्ट गए और आपने सामान लिया, सभी लोग मॉल में जाते होंगे, अपना सामान लेते होंगे, आप उस सामान को ट्रॉली में रखते हैं और उस ट्रॉली में रख के काउंटर पे लाते हैं और आप काउंटर पे लाके बिलिंग करते हैं। इस इमेज प्रोसेसिंग की हेल्प से अब क्या होने वाला है, जैसे ही आप वो सामान उठाएंगे अपने ट्रॉली में डालेंगे, वो ऑटोमेटिकली जो सेंसर्स लगे हुए हैं चारों तरफ वो आपका आइटम सेंस करेंगे, उस आइटम के साथ साथ उसका प्राइस सेंस करेंगे,
उस प्राइस के साथ ऑटोमेटिकली जो आपका RFID है, आपका बजट है, आपका टैग है, आपका एड्रेस है, उसमें आपको वो लिंक कर देंगे। और क्या होगा उसके साथ, जब आप उस स्टोर से बाहर निकलेंगे ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पे आ जाएगा आपने एक जैम, एक सॉस, एक पोहे का डब्बा उठाया है और आपका ये प्राइस है और आपके अकाउंट में से इतने डिडक्ट हो गए। सोचिए हमको कैंटीन में, हम CSD कैंटीन जाते हैं, हमें लंबी लाइनें लगाने की जरूरत ही नहीं है, इतना आसान है ये चीजें। यानी कि अगर AI का इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम आएगा तो क्या वो नौकरी घटाएगा? नहीं, वो हमारी ईज को बढ़ाएगा। कितना आसान है, हमें लंबी लाइनें लगाने की जरूरत ही नहीं है, हमें बस अपना सामान उठाना है, वो हमको स्कैन कर रहा है और यहां से हम बाहर निकल रहे हैं। सोच के देखिए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मैंने अपने बेटे से मैं कन्वर्स कर रही हूँ और मैं चार तरह से बोलती हूँ। एक बार तो बोलती हूँ गुस्से में अच्छा, एक बार बहुत प्यार से बोलती हूँ अच्छा, अब मैंने दोनों बार अच्छा बोला और तीसरी बार मैंने बोला अच्छा अच्छा। यानी कि मेरे तीनों बार मैंने सिर्फ अच्छा कहा, लेकिन क्या उसका पॉज है, क्या उसका नोटेशन है, उसके बेसिस पे मेरे बेटे को पता चल जाता है कि मम्मी आज किस मूड में है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हम यही कर रहे हैं। अब तक सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की कोडिंग होती थी, उस कोडिंग में हम इस पॉज को, इस पंक्चुएशंस को हम नहीं ले पाते थे, लेकिन अभी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हमारे एक्सप्रेशंस, हमारे पॉज, हमारे एनोटेशंस, हमारे पंक्चुएशंस, इसकी हेल्प से वो ना कि सिर्फ उसका मीनिंग निकाल लेता है बल्कि उसका मूड भी पता चल जाता है कि आज मम्मी अच्छे मूड में है तो मैं डिमांड कर सकता हूँ आज पिज्जा मिल जाए, और आज मम्मी का मूड ठीक नहीं है तो इसका मतलब चुप रह जाए। सिमिलरली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसके ऊपर काम कर रहा है। न्यूरल नेटवर्क्स, मैंने आपको अभी अभी बताया आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसमें आपको मैंने एक चाय का एग्जांपल दिया था। ये सारी फील्ड्स है AI की जो हमें टच करने की कोशिश कर रही है, और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ यही है कि अब तक हम कंप्यूटर में प्रोग्राम देते थे और डेटा देते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, कंप्यूटर क्या कर रहा है, वो कह रहा है मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना डेटा दे दो, मैं उस डेटा की हेल्प से खुद ही निर्णय ले लूंगा कि तुम कैसा बिहेव करते थे और मुझे तुम्हें बस कॉपी करना है, मुझे और कुछ नहीं करना है। सो दिस इज एग्जैक्टली द एल्गोरिथम के अंदर ये फर्क महसूस हुआ है। तो ये हमने कंपोनेंट्स के बारे में बात किया, AI कैसे काम करता है ये मैंने इसमें मेरी प्रेजेंटेशन में मैंने ये ऐड किया है। अगर आप लोग, मैंने मोस्टली आपको ये बातें बता दी है कि कैसे काम करता है, लेकिन अगर आप जानना चाहेंगे कि ये वाली स्लाइड के अंदर मैंने ये डिस्कस किया है कि कैसे काम करता है, तो इसमें वही सब चीजें हैं कि कैसे इनपुट लेता है, कैसे प्रोसेस करता है, कैसे उसके बाद काम करता है। मैं आज इस पे डिटेल में नहीं बात करना चाह रही बिकॉज ये थोड़ा सा टेक्निकल है कि कैसे हम प्री प्रोसेसिंग करते हैं, कैसे हम हाइपर पैरामीटर्स की कैसे हम ट्यूनिंग करते हैं, कैसे हम डिजीज को इनोकुलेट करते हैं, कैसे हम उसमें वेट देते हैं, कैसे हम प्रिडिक्ट करते हैं, कौन सा हम एप्रियोरी या क्लस्टरिंग या क्यूबेसिक एल्गोरिथम्स लगाते हैं, वो मैं DB स्कैन एल्गोरिथम, वो सब मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी आज। आज मैं सिर्फ एक नॉर्मल हम कैसे कैसे वो हमको टच कर रहा है और उसके सोसाइटी इम्पैक्ट पे ही काम करूंगी। फेस रिकॉग्निशन इतना खूबसूरत सिस्टम है, इसके ऊपर सोचिए आप, मैं यहाँ बैठी हूँ, अचानक से मेरी माता पिता, मेरे जो बीकानेर की मैं रहने वाली हूँ वहां से मेरे घर पहुंच जाते हैं मुझे सरप्राइज देने के लिए और मेरे गेट पे पहुंचे। अब अदरवाइज मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि चाबी तो मेरे पास है, लेकिन अभी IoT की हेल्प से, Wi-Fi की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से क्या होगा, जो वहां पे फेस कैमरा लगा हुआ है वो ऑटोमेटिकली सीधा मुझे मोबाइल में दिखाएगा कि मेरी माता जी यहाँ पे गेट पे खड़ी हैं, और मैं यहाँ से सीधा वो लॉक कंट्रोल करूंगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा गीजर का नंबर है, फ्रिज का IP एड्रेस है, ऐसे ही उस लॉक का भी IP एड्रेस है, मैं उस लॉक को यहीं से कंट्रोल करूंगी और ओपन करूंगी। कितना खूबसूरत सिस्टम है, बहुत खूबसूरत। ट्रैफिक मॉनिटरिंग को समझिए आप, देखिए दिल्ली में हम रहते हैं, हमेशा हर रेड लाइट पे एक फिक्स टाइम के लिए वो ऑन होती है, एक मिनट चार अगर कॉर्नर है तो चारों के लिए ऑन होती है। अभी ट्रैफिक मॉनिटरिंग में हमने क्या कर रहे हैं, हम नई रिसर्च जो आ रही है ऊपर कैमरास लगा दिए गए हैं। मोस्टली क्या होता है, दिल्ली से सारा ट्रैफिक मॉर्निंग में गुड़गांव की तरफ जाता है, तो गुड़गांव वाली लाइन तो हैवी बिजी होती है, आने वाली खाली होती है। शाम को क्या होता है, आने वाला ट्रैफिक बहुत बिजी होता है, जाने वाली रोड खाली होती है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे कैमरास डिप्लॉय कर रहे हैं, हम यहाँ पे सेंसर्स डिप्लॉय कर रहे हैं। अब वो क्या करेगा, वो पहले ये देखेगा कि कितनी वेटिंग किसमें है,
और अकॉर्डिंगली रेड लाइट्स का टाइम उसका बढ़ा देगा जिसमें ज्यादा वेटिंग है, और जिस लाइन में वेटिंग कम है उसको 30 सेकंड कर देगा, जिसमें ज्यादा उसको 1.5 मिनट कर देगा। यानी हम ट्रैफिक मॉनिटरिंग को डायनेमिक लेके आ रहे हैं। ये किसकी हेल्प से हो रहा है, ये इसमें कौन कौन सा एल्गोरिथम लग रहा है? सबसे पहले इमेज प्रोसेसिंग लग रही है, सेंसर्स लग रहे हैं जो कि नाप रहे हैं क्यू की लेंथ कितनी है, देन डायनेमिकली कैलकुलेट हो रहा है कि किस जगह पे वेटिंग टाइम ज्यादा है, और अकॉर्डिंगली उसी रेड लाइट को ज्यादा देर तक खोला जा रहा है जहां पे वेटिंग ज्यादा है। होम सिक्योरिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया मैं यहाँ बैठी हूँ, अपना लॉक खोलूंगी बंद करूंगी मेरी मर्जी है, ये चीज। नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, ये हिंदुस्तान में आ चुका है। क्या होता है इसमें, आपके रेड लाइट पे जैसे ही आप जंप करते हैं, रेड लाइट है फिर भी आप जंप करते हैं, वहां पे कैमरास लगे हुए हैं, वो आपका नंबर स्कैन करते हैं और सीधा आपके मोबाइल में आजकल सीधा आ जाता है, चालान हो गया। आपने 50 की स्पीड यहाँ अलाउड थी, आपने यहाँ पे 80 की स्पीड रखी। आप सोचिए इसके ऊपर कितना खूबसूरत एल्गोरिथम चल रहा है। सबसे पहले कैमरे ने स्कैन किया, उसने उस पर्टिकुलर डिजिट को ढूंढा, फिर वो डेटाबेस में गया, उस डेटाबेस से पता लगा कि ये वाला पर्टिकुलर गाड़ी का जो नंबर है इसका ऑनर कौन है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, और सीधा फिर एक SMS ओरिजिनेट हुआ उसके मोबाइल में गया, और एक साथ के साथ वो चालान सीधा पुलिस में चला गया। तो कितना सिस्टमैटिक हो रहा है, हमारी लाइफ कितनी ईज हो रही है, कितना सिस्टमैटिक हो रहा है हमारे को अननेसेसरी। आप ये इसको कतई मत सोचिए कि ट्रैफिक पुलिस वाले की नौकरी घट जाएगी, ऐसा नहीं है, वो किन्हीं और पॉजिटिव और एडवांस कामों के लिए फ्री हो जाएगा। एक डिसएडवांटेज मैं मान सकती हूँ कि इसमें सिर्फ उन्हीं की प्रगति है जो समय के साथ चलेंगे। हाँ ये सच है, अगर आप ये सोचें कि आज भी आप यहाँ दिल्ली बैठे हैं, आपकी माताजी पिताजी बिहार में बैठे हैं और आपको वहां पे आज मनी ऑर्डर करना है, तो जाहिर सी बात है कि वो मनी ऑर्डर अब नहीं हो सकता। तो आपको समय के साथ UPI सीखना ही होगा। तो उनके लिए जरूर ये वार्निंग साइन है जो अपने आप को समय के साथ नहीं बदल रहे, जो अभी भी जाकर मनी ऑर्डर करना चाहते हैं, जो अभी भी पोस्ट ऑफिस जाना चाहते हैं, हाँ उनके लिए डेफिनेटली एक वार्निंग साइन है। लेकिन जो लोग समय के साथ अपने आप को बदल रहे हैं उनको इस AI से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्राइम मॉनिटरिंग एंड टैगिंग सिस्टम कितना खूबसूरत सिस्टम है। इसमें हम क्या करते हैं, एक क्लस्टरिंग एल्गोरिथम लगाते हैं, उस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम के थ्रू हम ये आइडेंटिफाई करते हैं, K-means clustering is a very famous algorithm, उसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हम कहां पे क्या चीज क्या इवेंट हो रहा है, उसका डॉट बनाते जाते हैं। अब क्या करते हैं, हम क्लस्टर्स बनाते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये वाला एरिया में रॉबरीज ज्यादा होती हैं, ये वाले एरिया में रेप्स ज्यादा होते हैं, इस एरिया में मान लेते हैं कि बर्गरीज ज्यादा होती हैं। अब अगर महिला पुलिस थाना खोलना है तो मैं जायज है कि वहां खोलना चाहूंगी जहां पे बर्गरीज वाला रॉबरीज को छोड़ दो, जहां पे मेरे ये चांसेस ज्यादा है, जहां पे ये रेप्स होने के चांसेस ज्यादा है, मैं वहां महिला पुलिस थाना वहां खोलना ज्यादा प्रेफर करूंगी, सो दैट तुरंत महिलाएं पहुंच सके उस सहायता के लिए। तो क्राइम मैनेज मॉनिटरिंग के अंदर आप उन इसको कहते हैं वल्नरेबल पॉइंट्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं, और वल्नरेबल पॉइंट आइडेंटिफाई होने के बाद जो उन पॉइंट पे क्या सोल्यूशन है वो हम कर पाते हैं। सो ये एक वेरियस सिक्योरिटी सिस्टम्स है जिसके अंदर काम चल रहा है। नेक्स्ट इज ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स सबके लिए बहुत ही, सब लोग यूज कर रहे हैं इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। सब लोग Amazon पे जाते हैं डेली, एक्सा पे सब सामान खरीदते हैं, Flipkart पे सामान खरीदते हैं, तो इसको मैं ये नहीं ज्यादा कवर करूंगी, सबको पता है ई-कॉमर्स क्या होता है। इसका जो थर्ड पॉइंट है ऑगमेंटेड रियलिटी, ये शब्द है जो मैं आपको बता रही हूँ। ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब आप यहाँ बैठे हैं और आपके पति जो कि बारामूला में बैठे हैं और आपको केसर महसूस करना है, तो आपको वहां पे आप रियलिटी में अपने आप को महसूस कर पाते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज ऑगमेंटेड रियलिटी, और इसके अंदर वही कैमरा सिस्टम और इसके साथ यूज होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन, जो कि मैं जिसमें मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जैसे आपने मैंने कहा दंतेवाड़ा में हुआ, आपको मेडिसिन ड्रॉप करनी है, इस तरह की चीजें हैं। एग्रीकल्चर, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मेरे बहुत ही करीब है, क्योंकि जो हमारा एक रिसर्च प्रोजेक्ट, जो मेरे दो रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक डिपार्टमेंट ऑफ, जैसा कि आशा मैम ने पढ़ा भी था, एक हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ चल रहा है और एक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT के साथ चल रहा है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम IRI जो कि भारत का बहुत ही फेमस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमने ऐसा ही मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाया। हमने क्या किया, हमने उस डेटा को, उस प्लांट को ऑब्जर्व किया एक साल तक कि अगर मान लीजिए टोमेटो प्लांट है तो उसमें हमको ये डेटा चाहिए था
कि अगर उसमें पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज आती है या लेट्स से लेट ब्लाइट डिजीज आती है तो किस डिजीज में पत्ती का रंग कैसा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पाउडरी मिल्ड्यू में हमने ये महसूस किया कि पत्ती के कॉर्नर में ब्राउन स्पॉट हो जाते हैं, लेट ब्लाइट में हमने महसूस किया कि बीच में ब्राउन ब्राउन थक्के आ जाते हैं, तो हमने क्या किया, बस सिमिलरली इसी चीज को हमने अडॉप्ट कर लिया, अपने डेटा को उठा के मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में ट्रेन कर दिया। अब इससे क्या फायदा हो रहा है, अब इससे ये फायदा हो रहा है कि लेट से मान लेते हैं कि बाड़मेर के किसी गांव के अंदर किसी किसान ने अपना पौधा बोया है और उसका पत्ती में हल्का सा कुछ भी कोई पौधा आ रहा है, तो किसान मित्र नाम से गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की हुई है, वो उस एपीआई को एक नॉर्मल सा मोबाइल की ऐप है उसको अपने लॉन्च करता है, अपने मोबाइल में डालता है, सब लोग ऐप स्टोर पे जाते हैं अपना ऐप डाउनलोड करते हैं, एक नॉर्मल सी ऐप है, उसमें वो अपनी फोटो खींच के डालता है उस पत्ती की, वो फोटो डायरेक्ट अटैच करती है IARI में जहां पे वो डेटाबेस स्टोर्ड है, उस फोटो से सीधा कनेक्ट डेटा आता है हमारे पास जिसमें हमारे पास वो डेटा माइनिंग एल्गोरिथम लगा हुआ है जो ये बता देता है उस लीफ को देख के कि इसके अंदर लेट ब्लाइट डिजीज आ रही है उस शक्ल को देख के लीफ की। अब क्या होता है, अब हमने IARI के ही और साइंटिस्ट से डिस्कस किया कि किस डिजीज के सोल्यूशन के लिए कौन सा स्प्रे बेटर होता है, तो होता उससे क्या है, वो जो पर्टिकुलर डिजीज है वो यहां से उस किसान को उस ऐप में बता देता है कि लेट से इसमें 0.25 मिलीग्राम का आपको फास्फोरस का स्प्रे करना है इस पर्टिकुलर डिजीज से बचने के लिए, तो वो डिजीज आने से पहले ही उसको स्प्रे कर लेता है। आपने सुना होगा, नहीं सुना तो जरूर देखिएगा गूगल के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है ड्रोन दीदीज, ड्रोन दीदी। वो क्या कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि ऑल ओवर इंडिया के 25,000 वुमेन को एम्पावर किया गया, उनको ये सिखाया गया है कि ड्रोन कैसे इस्तेमाल करना है और उनको हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉय किया गया है, कुछ कुछ जोन्स में डिप्लॉय किया गया है। अब अगर उनका लेट्स से जो मैंने आपसे कहा कि बाड़मेर में जो किसान है जिनको ये देखना है कि मेरे प्लांट में लेट्स से पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज हो गया है, तो वो अपने नियरेस्ट ड्रोन दीदी के पास जाएगा और कहेगा कि मेरे को यहाँ पे फास्फोरस का 0.25 का स्प्रे करवाना है, और उसको ना तो अब आप देखिए उसकी लाइफ, ना उसको सोचने की जरूरत है कि कौन सा डिजीज है, ना उसको खुद स्प्रे करने की जरूरत है, ना उसको वो इक्विपमेंट रखने की जरूरत है स्प्रे करने के लिए, उसको इतना बड़ा भारी भरकम खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक मोबाइल और उस मोबाइल से वो फोटो खींचेगा, जाएगी फोटो डायरेक्ट वहां से ऑटोमेटिकली किसान मित्र ऐप से उसके पास मैसेज पहुंच जाएगा, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसान मित्र में काम कर रहे हैं वो ड्रोन दीदीज को कॉन्टेक्ट करेंगे और ड्रोन दीदीज डायरेक्टली जाके उसके ऊपर वो डिजीज का स्प्रे करेंगे। आप देखिए इसमें क्या क्या यूज हुआ, सबसे पहले इसमें ड्रोन यूज हुआ जो कि रोबोट्स था, इसमें इमेज प्रोसेसिंग यूज हुई जो कि वो उस लीफ की बहुत करीबी से इमेज ले रहा था। इमेज प्रोसेसिंग नाम सिर्फ सिंपल है, जब इसके एल्गोरिथम्स पे काम हम शुरू करते हैं तो हम इमेज सेगमेंटेशन, इमेज ऑगमेंटेशन, इमेज प्री प्रोसेसिंग, इमेज के अंदर बैकग्राउंड रिमूवल, हम बहुत सारे एल्गोरिथम्स पे काम करते हैं उस पर्टिकुलर डिजीज को लिंक करने में, फिर वो डेटाबेस जो हमने ट्रेन किया है, फिर वो AI एल्गोरिथम जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम एंड प्रेडिक्शन एल्गोरिथम जो काम कर रहा है, फिर वो अकॉर्डिंगली डिजीज बताता है और जाके वहां पे काम हो जाता है, कितना ईज ऑफ बिजनेस है। लेकिन ये सब चीजें हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, ये सारी फील्ड्स मैंने एक एक करके कुछ कुछ टच कर दी है आपको, लेकिन आज जो कि हमारा मेन मेथड है कि अब हमें बात करना है कि इसके ऊपर इसके सोशल इम्पैक्ट्स क्या हैं। तो सोशल इम्पैक्ट्स जिसके आप लोगों को लग रहा है, सब लोग आजकल हवा में यही बात करते हैं चारों तरफ कि भाई AI आने वाला है, इससे हमारी नौकरी चली जाएगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, नौकरी नहीं जाएगी और नई नौकरियां क्रिएट होंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया ड्रोन दीदी, ये एक नई नौकरी है जो क्रिएट हुई, किसान मित्र उस ऐप को लेके लोग भी आपकी असिस्ट करने आते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। तो ये चीज है AI से बढ़ के एक और नई फील्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया IoT, ऐसे ही एक और फील्ड है जिसका नाम है जनरेटिव AI। जनरेटिव AI क्या चीज है, आपके बेटे ने, अगर आपको मैं यहाँ पे आपको एक डेमो देना चाहूंगी, आपका बेटा आया और उसने कहा कि मम्मा मेरे को, जैसे कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि वो 11th में है, उसने मुझे कहा कि मुझे अरब स्प्रिंग्स के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाना है। ChatGPT सबके मोबाइल में एक नॉर्मल सी ऐप है, आप सब लोग डाउनलोड करिएगा, उसमें लिख के देखिएगा, मैं एक सेकेंड के लिए आपको वो दिखाना चाहूंगी। जैसे कि मैंने इसीलिए अपने स्क्रीन के ऊपर एक ChatGPT डाउनलोड किया हुआ है और जो कि आप इसमें देख पाएंगे, फुल स्क्रीन शेयर करने के लिए
फुल स्क्रीन शेयर कर दीजिए इंस्टेड ऑफ स्लाइड्स. अच्छा फुल स्क्रीन है, ठीक है. तो आप ये चैट जीपीटी में देखेंगे तो यहाँ पे ये आपको चैट जीपीटी दिख रहा है. देखिए इसमें मेरे को मैंने क्या लिखना है. सपोज करिए आज सीआरपीएफ की सभी महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं और मुझे अपने महिलाओं के ऊपर ही मुझे एक पोयम लिखवानी है. तो आप सिर्फ चैट जीपीटी में जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखेंगे सीआरपीएफ लेडीज को ग्लोरीफाई इन हिंदी एंड पोयम, ठीक है, इन 100 वर्ड्स. मैंने सिर्फ ये लिखा और मैंने जैसे ही एंटर दबाया आपको सीआरपीएफ एक हिंदी में पूरी की पूरी आपको एक पोयम लिख के देता है. सीआरपीएफ की वीर नारियां, देश की प्रतिभा, ऐसे ही मैंने एक और ही कल हिंदी में जनरेट किया था. आप मेरी स्क्रीन पर देख पाएंगे जो मैंने जनरेट किया. ये मैंने सीआरपीएफ के ऊपर उनसे कहा राइट पोयम ऑन वेलोर ऑफ सीआरपीएफ इन हिंदी. और देखिए वीरता की कहानी, सीआरपीएफ की जुबानी, देश की सीमा पर निभाए हर कहानी. कहने का मतलब ये है कि दिस इज जनरेटिव एआई. अब आप सोचेंगे कि ये तो बहुत ही कमाल की बात है. एक्चुअली में देखा जाए तो ये भी तो वो डेटा पे ही काम कर रहा है, ये भी बैकग्राउंड में गूगल को ही यूज कर रहा है. क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल होता है, उन राइमिंग वर्ड्स को ढूंढ रहा है, सीआरपीएफ के वेलोर को लेके जो जो उसकी खासियत है उसको यूज कर रहा है और उसकी हेल्प से बड़ी खूबसूरत ये पोयम जनरेट कर रहा है. आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा. सो चैट जीपीटी इज अगेन दिस इज नोन एज जनरेटिव एआई. उसको हम कह रहे थे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये है मेरा जनरेटिव एआई. इसकी हेल्प से आप इमेज जनरेट कर सकते हैं, अवतार जनरेट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं. हाँ, अब इसके बारे में भी बहुत लोग कहते हैं कि इसके आने से क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी. फ्रांस में कुछ राइटर्स ने इसके ऊपर कोर्ट केस भी कर दिया कि भाई अगर ये इतनी अच्छी कविता यही लिखेगा तो हम कवियों का क्या होगा. तो मेरा उनसे भी यही कहना है कि दिन पर दिन जितनी भी ये नई आ रही हैं वो आपको फ्री कर रही हैं आप कुछ और क्रिएटिव करने के लिए, है ना. जब बैंक के क्लर्क को ये वो सोच रहा था कि मेरी नौकरी चली जाएगी लेकिन गई नहीं, उसको और क्रिएटिव करने के लिए और ईज देने के लिए वो उसमें काम करने लगा. So I'll come back to my topic. So this is the generative AI I was just showing you with the help of this example. ये मैंने आपको चैट जीपीटी के बारे में बात किया जिसका कि मैंने आपको स्क्रीन भी दिखाया और इस तरह से ये काम भी करता है. आप चाहें तो इसको आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं. ये मोबाइल ऐप है तो इसलिए आपको कंप्यूटर पे भी कोई अगर नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है. आप जहाँ भी हैं, अगर आपके बेटे को कल एक स्कूल में पोएम सुनानी है, आप इस चैट जीपीटी ऐप को डाउनलोड करिए, उसके ऊपर इस तरह से लिखिए, बहुत खूबसूरत से खूबसूरत पोएम आर्टिकल जो भी आप चाहेंगे वो आपको लिख के देगा. यहाँ तक कि आप उसमें ये भी लिखेंगे इसको इजी भाषा में लिखिए, इसको और डिफिकल्ट भाषा में लिखिए, इसको क्लास 5 के बराबर लिखिए, इसको क्लास 12 के बराबर लिखिए, वो आपको अकॉर्डिंगली इजी लैंग्वेज हार्ड लैंग्वेज करके देगा. सो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करें, अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल एआई की बात करें तो क्या क्या फायदे हुए. ऑटोमेशन हुआ रूटीन टास्क का, देन हमारे ऑप्टिमाइज्ड रिसोर्स एलोकेशन हुआ. एक बड़ा अच्छा इंदौर में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है जिसको हम स्मार्ट सिटी बोलते हैं. वहां क्या हो रहा है, आईओटी के सेंसर्स लगा दिए गए हैं. पहले क्या होता था, अगर किसी बाथरूम को क्लीन करना है, जगह जगह जो एमसीडी ने जो बाथरूम्स बना रखे हैं उसके लिए हम लोगों को भेजते थे और कहते थे साफ करो. अब जो काम करने वाला स्वीपर है वो कभी नहीं भी करता, और कभी किया उसने या कभी नहीं भी किया अपना काम. लेकिन आजकल क्या हो गया, आजकल ना उन बाथरूम्स के अंदर अमोनिया को सेंस करने के लेवल को सेंस करने के लिए सेंसर्स लगा दिए गए. अब उससे क्या फायदा हुआ, अब उस बाथरूम के अंदर अमोनिया सेंसर को सेंस करता हुआ वो बैकग्राउंड में आपको एक जो मेन कंट्रोल रूम है वहां पे वो रिपोर्ट दे रहा है. अगर कोई बाथरूम वाकई गंदा है, लेट्स से बस स्टैंड के पास वाला, तो एग्जैक्टली जिसका अमोनिया लेवल अप होगा सिर्फ वहीं पे आपको मैन पावर भेजने की जरूरत है ना. आपको हर एक बाथरूम क्लीन करने के लिए उतना समय देने की जरूरत नहीं है. जो बाथरूम ज्यादा यूज हुआ उसको क्लीन करने के लिए आप पहले भेज दीजिए. ऐसे ही डस्टबिन जो जगह जगह लगे हुए हैं, डस्टबिन में सेंसर्स लगे हुए हैं. सेंसर्स मतलब इमेजेस का वो सेंस कर रहा है. तो जैसे ही वो भरता है तभी वो वैल्यू आती है कि ये भर गया, तो आप खाली उसको उसी टाइम कलेक्ट करवा लेते हैं. अननेसेसरी ट्रक्स को फालतू में जहां जो खाली सेंसर्स हैं उनको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है. मतलब ये क्या है, ये स्मार्ट सिटीज का एक एग्जांपल है. मतलब जो आपके सामने लिखा हुआ है ऑप्टिमाइज्ड रिसोर्स एलोकेशन, मतलब मेरे को फालतू में उस ट्रक को या उस स्वीपर को घुमाने की जरूरत नहीं है. जहां पे उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है मैंने वहीं भेजा. तो ये इसका पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ ना, मेरा वो फालतू में नहीं घुमा आदमी. प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, जैसे कि मैंने आपसे बताया
कि पहले से प्रेडिक्ट कर देता है कि ये डिजीज आने वाली है, तो उसका मुझे ये फायदा निकल के आता है। देन फास्टर डिसीजन मेकिंग, नेक्स्ट एक और एडवांटेज है ऑब्वियसली। अब एक बैंक के पास गए और बैंक मैनेजर को ये डिसाइड करना है कि भाई मैं इसको लोन दूं कि नहीं दूं। अब अगर वो खुद सोच रहा है तो शायद आप उसे बातों में उलझा पाए और उससे लोन ले लें। लेकिन अगर वो AI बेस्ड एल्गोरिथम यूज कर रहा है, जिसका बहुत फेमस नाम है ID3 एल्गोरिथम, डिसीजन ट्री एल्गोरिथम, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम, बहुत अच्छे फेमस एल्गोरिथम्स हैं इसके लिए, SVM है, बहुत सारे एल्गोरिथम्स के नाम है ये। तो वो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि इन एट्रीब्यूट्स के साथ जिसने लोन लिया, जैसे कि क्या आपका स्पाउस भी काम करता है, क्या आपके पास खुद का घर है, क्या आपके पास खुद की गाड़ी है, क्या आपके बच्चे हैं, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बेसिस पे वो ये जज कर पाता है कि इसका लोन देने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर लोन चुकाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी तो वो आपको देगा, नहीं होगी तो नहीं देगा। तो ये आपको असिस्टेड टेक्नोलॉजी है जो कि डिसीजन लेने में हेल्प करती है। कंप्यूटर विजन का मैंने आपको एग्जाम्पल अभी दिया, Amazon के में जाने की, किसी भी स्टोर रूम में जाएंगे लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, आपने सामान उठाया, विजन ने आपको सेंस किया एंड काम खत्म हुआ। जेस्चर रिकॉग्निशन ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज है, जो लोग असिस्टेड है, जो लोग की जिनके की मान लीजिए कोई हाथ नहीं है, किसी का कोई पैर नहीं है, कोई व्हील चेयर पे बैठा है, उसको व्हील चेयर को राइट मोड रोटेट करना है लेकिन उसका जो न्यूरोसेंसरी मोटर है वो प्रॉब्लम में है, वो उसकी ही इज अ स्पेशल नीड चाइल्ड। तो अब क्या होता है, अब ये जेस्चर रिकॉग्निशन क्या है, जैसे ही उसने अपना हाथ ऐसे किया ऑटोमेटिकली व्हील चेयर लेफ्ट टर्न हो जाएगी, मतलब आपके जेस्चर्स को, हैंड रिकॉग्निशन को देखा जाएगा और बैकग्राउंड में किया जाएगा। तो ये इसके पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ ना। देखिए ना, उस बच्चे की जिंदगी, अगर वो लेफ्ट मोड़ना चाह रहा है, राइट मोड़ना चाह रहा है, और अगर वो खुद नहीं मोड़ सकता उस व्हील चेयर को, तो उस केस में उसका हेल्प हो जाएगा। ऑटोनोमस व्हीकल्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स इंडिया में अभी नहीं इतने आए हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी काफी जगह पे यूज होने लग गए हैं ऑटोनोमस व्हीकल्स, जहाँ पे की ड्राइवर लेस ड्राइविंग चलती है। देन उसके बाद हम आते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेशन। मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया कि आप यहाँ से, आपको फ्रेंच से आपको कम्युनिकेट करना हो, आप दो मिनट में गूगल ट्रांसलेटर से, गूगल लेंस में आप उसको डालिए और जैसे ही वो सेंस होता है आप उसको बोलिए इक्वलेंट मेरे को ये वाला लैंग्वेज चाहिए, आपको दो मिनट में वो कन्वर्ट करके देता है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल एप्लीकेशन, अगेन अ पॉजिटिव इंपैक्ट। तो आपको देखने से मैं आपको ये कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये आपकी जिंदगी में पॉजिटिव इंपैक्ट ही लाएगा। हाँ, एक दो नेगेटिव इंपैक्ट हैं इसके, जो कि मुझे लगता है कि हम बहुत समझदारी से अगर काम करेंगे तो उन इंपैक्ट्स को हम दूर कर सकते हैं। जैसे कि नंबर एक आपका इंपैक्ट है कि आपको लग रहा है जॉब डिस्प्लेसमेंट है, बट ये करेगा नहीं, क्योंकि आपको ये नई जॉब्स के लिए स्पेयर करेगा। सोशल आइसोलेशन इज अ बिगेस्ट नेगेटिव इंपैक्ट। जैसे अभी हम क्या करते हैं, पहले जमाने में अगर घर में हरी मिर्च खत्म हो गई और अचानक से मेहमान आ गए और मुझे कर्ड राइस बनाना है, तो मैं अपनी पड़ोसन से हरी मिर्च मांग लेती थी। आजकल क्या करती हूँ, तुरंत ब्लैंकेट पे जाती हूँ, ऑर्डर कर देती हूँ। तो उससे क्या होता है, उससे वो जो पड़ोसन से सोशल इम्पैक्ट था ना, जब मैं उससे जामुन मांगने गई, खट्टा मांगने गई, उसने बदले में मुझे पूरा कटोरा दही का दे दिया, मैंने शाम को राजमा बनाए उसके घर में दिए, अगले दिन उसने पाव भाजी बनाई मुझे दी, तो हमारा परिवारों में एक सोशल कनेक्ट बना। अभी हम क्या करते हैं, खट्टा नहीं है घर में, ब्लैंकेट, स्विगी, इंस्टा, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा सोशल इंपैक्ट खत्म हो रहा है, सोशल आइसोलेशन हो रहा है। जैसे पहले हम सब्जी लेने जाते थे, नीचे गए, सब्जी वाले से पूछा, लिया, और भाई सब ठीक है, वो भी पूछेगा हमसे। अगर हम चार दिन नहीं जाते थे, सब्जी वाला पूछने आ जाता था कि मेम साहब आपकी तबीयत तो ठीक है, आप चार दिन से सब्जी लेने नहीं आए थे। अब वो खत्म हो रहा है, वो इंपैक्ट खत्म हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस। ये एक हमारा डिसएडवांटेज है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसको बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल करें तो इसको हम दूर कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कुछ लोग इसको कहते हैं कि एक नेगेटिव इंपैक्ट है। वो डिस्क्रिमिनेशन ऐसा है कि जिसको AI आती है उसको तो बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है। आप कहते हैं ना, अरे फलां के बेटे को तो 15 लाख का पैकेज मिला है, तुझे क्यों ना मिला, ऐसा हम अक्सर कह देते हैं अपने बेटे से। क्यों? जिसने मैकेनिकल में बीटेक किया है उसको कम ऑफर हो रहा है, जिसने डेटा साइंस और AI में बीटेक करा उसको ज्यादा ऑफर हो रहा है। ये हमारा डिस्क्रिमिनेशन एक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसमें भी अगर वो बच्चे जो कि मैकेनिकल से करके निकले हैं वो कुछ फ्यूजन सोच पाए कि AI को मैकेनिकल की हेल्प से कुछ कैसे बढ़िया डिप्लॉय कर सकते हैं, तो उनकी भी उतनी ही डिमांड होगी मार्केट के अंदर। टेस्ला आजकल ऑटोमेटिव कार्स बना रही है, उनके पास ऐसी नए आइडियाज का बहुत स्वागत है। प्राइवेसी, सब लोग आज OTP आता है, सब लोग डालते हैं,
ध्यान रखिएगा, आजकल एक नई प्रॉब्लम्स आ रही है जिसमें वॉइस मॉड्यूलेशन एक प्रॉब्लम आ रही है, जिसको भी आते हम कहते हैं कि डीप लर्निंग मेथड से, वो आपका डीप फेक मेथड से आपका फेस जनरेट होता है, डीप लर्निंग मेथड से आपकी आवाज जनरेट होती है। मैं आप सब बहनों से कहूंगी कि प्लीज इस मामले में आप अपने आप को सतर्क रखिएगा। एकदम से व्हाट्सएप पे कॉल आएगा आपके हस्बैंड की आवाज को मॉड्यूलेट करता हुआ, अरे सुनो मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, जरा इस फोन के ऊपर इतने पैसे देना। वाकई में वो आवाज जनरेट कर देता है। यहाँ तक कि एक एक्सपेरिमेंट अभी हुआ है, अगर मैंने अपना एक सॉन्ग लिखा है और मैं चाहती हूँ कि मेरे इस सॉन्ग को लता मंगेशकर गाए, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, तो अब ये तरीका भी इजाद हो गया है कि मेरे सॉफ्टवेयर वाला वो लता मंगेशकर की आवाज को समझेगा भी और जनरेट भी कर पाएगा। अब देखेंगे आपको गूगल पे बहुत सारे ऐसे लिंक्स मिलेंगे। तो मतलब ये हुआ कि प्लीज उनसे, आप सब बहनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस तरह के कुछ नए फ्रॉड्स हो रहे हैं। पहले तो सिंपल ओटीपी और इस तरह के ही फ्रॉड हुआ करते थे, लेकिन अभी आजकल वॉइस मॉड्यूलेशन, फेस चेंजिंग, इन सब चीजों की वजह से और भी फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो आप प्लीज इसके प्रति सजग रहिएगा, इस तरह की चीजों में ना उलझिएगा। और ये इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, जिससे हम अगर सोच के संभल के चलेंगे तो हम इन नेगेटिव इम्पैक्ट्स को दूर कर सकते हैं। मैं अब यहीं पे एक बार खत्म करती हूँ, और आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ये सेशन ओपन है। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो अब यह प्रश्नोत्तरी का सेशन है, और हमारे स्पीकर ने बहुत ही खूबसूरती से इस पूरे विषय का व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत किया है, इसके सकारात्मक पहलुओं को, और जो एक नकारात्मक पहलू पे भी जो चर्चा की गई, जिसको आप सकारात्मक ढंग से अगर आप उसे विचार करें और थोड़ी सावधानी के साथ अगर आप उस पर अमल करें तो उससे भी बचा सकता है। तो अब मैं जितने भी हमारे रीजनल कावा सेंटर्स हैं और वेबिनार से जुड़े हुए जो भी हमारे स्टेशन हैं और जो भी मेम्बर्स हमारे सभागार में यहाँ बैठे हुए हैं, उन सबसे मेरा आग्रह है कि ये भी हमारा सेशन जो है प्रश्नोत्तरी का है, आप कोई भी सवाल जो हमारे आज के विषय से संबंधित है आप हमारे स्पीकर से पूछ सकते हैं। सो द क्वेश्चन सेशन इज ओपन फॉर ऑल फोरम। अभी मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी स्टेशन के कई क्वेश्चन होंगे तो पहले आप अपने स्क्रीन पे हाथ पिकअप करेंगे, ताकि एक साथ दो तीन वॉइस आपस में मर्ज नहीं हो। सो प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। एनी स्टेशन, एनी क्वेश्चन। So one question is from the seminar hall. Ma'am, please. So ma'am, आपने फायदे तो बहुत सारे बताए, और जो आपने टॉपिक जो इस सोसाइटल इम्पैक्ट पे बात करी है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं समझना चाह रही थी। जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पे बताया, मैम मीनाक्षी मैम आपका फोन एक मिनट ले सकते हैं। Assuming that ma'am is human and I am an AI, I just opened her blog based on, because मुझे मालूम है कि ma'am का birthday कब आता है, and mostly सब लोग ये करते हैं, and that is what ChatGPT or all kind of generative AI is doing. तो ये इतना आसान था मेरे लिए जानना, क्योंकि मैम ने कहीं ना कहीं अपने डिटेल्स बुक पे डाल रखा फेसबुक पे। मैंने अभी बात करने से जस्ट 5 मिनट पहले मैम का आई नो हर डेट ऑफ बर्थ, मेरे को साल नहीं पता था, एंड अज्यूम कि शायद अगर साल भी उन्होंने डाला होगा तो वो भी मैंने कंफर्म किया। मुझे एक सेकंड नहीं लगा मैम का फोन अनलॉक करने में। बिल्कुल, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ब्रीच इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ब्रीच ही एक चीज है जिसके ऊपर अभी भी मतलब एक जिसे बोलना चाहिए चोर पुलिस का खेल चल रहा है। और इसमें भी मैं यही कहूंगी कि ये इसका नुकसान, अगर आप कोई मैं कहना अगर आप खुद सजग रहेंगे। मैंने जस्ट फोन खोला, इसके बाद ओटीपी वो सब करना तो बहुत आसान है, एंड फेशियल रिकॉग्निशन एंड वॉइस मॉड्यूलेशन करने के बाद में अगर मेरे पास नाम के फोन का एक्सेस ही आ गया, सबसे इम्पोर्टेंट है इसे डील करने के लिए कि कभी भी अपना पासवर्ड ऐसा इंट्यूटिव ना रखें। अपना बर्थडे, अपनी एनिवर्सरी, अपना हस्बैंड का बर्थडे, या जैसे मान लीजिए मेरे हस्बैंड का नाम प्रमोद कुमार चुग है
और लेट से उनका कुछ बर्थ है, मान लेते हैं 1980 है उनका बर्थ, तो ऐसा कोई भी पासवर्ड मत लिखिए कि प्रमोद कुमार चुगेदर, ऐसा कोई भी पासवर्ड मत रखिए, क्योंकि ये गेस करना बहुत आसान है। उसे आप लोग फेसबुक पे जाने अनजाने में कई बार शेयर कर देते हैं, छुट्टी पे घर जा रहे हैं, छुट्टी पे घर जा रहे हैं, अब बड़ा अच्छा लगता है लिखे कि गोइंग बैक टू दिस प्लेस। प्लीज इस तरह की चीजें मत पोस्ट करिए अपनी, जैसे हमारे पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग कहते थे किसी भी अनजान व्यक्ति से ना बात करें ना उन्हें अपनी इंफॉर्मेशन दें, वही करना है हमें आज भी, आज भी उसी बात की जरूरत है। हम ट्रेन में बैठते हैं, जाने अनजाने सब शेयर कर बैठते हैं जी आप कहाँ के हैं, हम वहां के हैं, और धीरे धीरे अपनी सारी इंफॉर्मेशन हम उनको दे देते हैं, फेसबुक पे डाल देते हैं कि हम तो चले गांव को या अपने गांव जा रहे हैं एक महीने के लिए, गोइंग बैक टू रूट्स या ऐसा कुछ, और पीछे से चोर को पता चल जाता है कि ये घर तो खाली है, अब तो ये एक महीने के लिए घर गए हैं, आराम से टीवी लीजिए, फ्रिज लीजिए, जो मर्जी उसमें से काम करिए। डेटा प्राइवेसी इज द सबसे मुश्किल यही सवाल है। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, आज यहाँ से मेरी फ्लाइट गई और मैं हैदराबाद उतरी, जैसे ही मैं उतरी मैंने अपने कंप्यूटर को अपने मोबाइल को स्विच ऑन किया, क्या मैसेज लिखा हुआ आता है, यू मे लाइक टू विजिट दीज प्लेसेस। मैंने बुकिंग की नहीं, मेरी बुकिंग मेरी मेल में आई नहीं, उससे पहले मेरे पास वहां के होटल्स के एंड सामने साइड में मेल में आने लग जाते हैं। मैंने हैदराबाद की फ्लाइट बुक की, उस फ्लाइट की टिकट मेरे मेल में पहुंची और मैंने अपना इनबॉक्स खोला या मोबाइल खोला या फेसबुक खोला तो तुरंत मेरे को हैदराबाद के सारे होटल्स की एड लगने लग जाती है। इस मामले में बहुत चल रहा है, गवर्नमेंट भी बहुत सजग हो रही है, अब गूगल को इतनी आसानी से हमारा डेटा यूज करने के लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत रूल्स बनाए हैं कि आपका डेटा इतनी आसानी से अब गूगल नहीं यूज कर सकता जो पहले कर सकता था। और प्लस इस प्राइवेसी के लिए आप सब बहनों को मेरा ये सजेशन है कि पासवर्ड सेट करते समय प्लीज इस तरह के पासवर्ड्स ना सेट करें, अपना, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एनिवर्सरी, ये सब बिल्कुल ना रखें। हम फिर याद कैसे रहेगा? जैसे एक आपको एग्जांपल देती हूँ, आप अपने गांव की नोट्स में बना रखा है कि हर एक जगह का बैंक के पासवर्ड वो सब है जी, तो जिस दिन मेरा फोन अगर कहीं चोरी हुआ तो वो सब जाएगा। नहीं, आपको मैं सजेशन दे सकती हूँ कि अपने जो आपका होम सिटी है वहां की अपनी कोई रिजल्ट आया हो उस दिन, वो कोई पर्टिकुलर किस दिन आपको, जो किसी को नहीं पता है वैसा वाला कुछ रखिए। मैं जानती हूँ कि बहुत मुश्किल है ये सब चीजें, लेकिन यस ऐसा हो रहा है। देयर इज अ वेरी फेमस फील्ड व्हिच इज नोन एज हैकिंग, और ये हैकर्स का यही काम है, वो आपकी डेटा को हैक करते हैं, आपके सिस्टम में अंदर एंटर करते हैं और आपके डेटा को भी ले लेते हैं, और उसके बाद जो फाइनेंशियल लॉस है वो तो अलग बात है, उसके अलावा और भी बहुत से लॉसेस आ जाते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत से चल भी रहे हैं इसके ऊपर रिसर्च, क्योंकि सेंसर्स है ना, तो सेंसर्स के पास बुद्धि तो है नहीं, तो सेंसर्स जो चाहते हैं वो डेटा दे रहे हैं। कोविड के टाइम पे आपको ध्यान होगा चाइना ने एक बहुत फेमस वीडियो रिलीज कर दिया था यूएस के हॉस्पिटल का, तो वो सब क्यों हुआ, क्योंकि उन सेंसर्स पे अटैक हुआ था। बहुत रिसर्च चल रही है सेंसर्स की प्राइवेसी के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, लेकिन आप लोगों को सजग रहने की जरूरत है, बहुत सजग रहने की जरूरत, उनकी जरूरत ही नहीं है। और कुछ सवाल किसी ओरिजिनल कावा स्टेशन से? ओरिजिनल कावा सेंटर्स जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किसी और का भी कोई सवाल हमारे आज के स्पीकर से है तो कृपया पूछें। समझता हूँ जिस विस्तार से मैंने इस विषय को आप सबके सामने रखा है, मुझे लगता नहीं है कि सवाल से ज्यादा हमको खुद को सावधानियों से बचना, जो भी सावधानी मैडम ने बताया है उसको अमल करने की ज्यादा जरूरत है, और निश्चित रूप से इनके जो लाभ हैं वो आप सबको बताया जा चुका है कि किस तरीके से हमारे आज के जीवन को इसने सरल कर दिया है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, और एट द सेम टाइम हमें प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है ताकि हम उसके दुरुपयोग से अपने खुद के हानि को बचा सकें। किसी और का कोई अन्य सवाल अभी नहीं है तो भी मैं आपसे आग्रह करूंगा जुड़े हुए सारे सदस्यों से कि अगर आपका आपके दिमाग में बाद में भी कोई ऐसे सवाल आते हैं तो आप अपने अपने सवाल हमारे सीआरपीएफ
www@gmail.com. और मेरा प्रश्न है मैडम से कि सबसे पहले तो बहुत अच्छा उन्होंने बताया और डेफिनेटली काफी आई ओपनिंग था, काफी माइंड ओपनिंग था उनका जो डिस्क्रिप्शन. प्लीज स्क्रीन पे आए, प्लीज स्क्रीन पे आए, प्लीज स्क्रीन पे आए. स्क्रीन पर कैमरा जैसे कि मैडम ने बताया कि डेटा ऑन रहता है या कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग भी आती है कि हम जो भी कन्वर्सेशन फोन्स पर भी करते हैं या हम कोई भी मोबाइल पे कोई भी डेटा चेक करते हैं उसी से रिलेटेड कोई ना कोई आपके पास एडवर्टाइजमेंट आने लग जाते हैं या कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड आने लग जाती है. सो इजंट इट अ काइंड ऑफ अ स्पाइंग, नंबर वन. नंबर हाउ कैन वी स्टे, हम इस चीज से कैसे बच सकते हैं इस तरीके की स्पाइंग से? हम क्या मोबाइल को डेटा ऑफ करने से क्या हम मोबाइल स्पाइंग से हम बच सकते हैं? देखो एक तो ऑफ कोर्स अगर हमें जरूरत नहीं है, हम कहीं घर से बाहर जा रहे हैं या हमको जरूरत नहीं है तो डेटा ऑफ कोर्स ऑफ कर ही सकते हैं. आपके मोबाइल में सेटिंग्स भी होती हैं, आपका लोकेशन आप यूज करना अलाउ करना देना चाहते हैं नहीं चाहते हैं उन सेटिंग्स को भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. एट द सेम टाइम गवर्नमेंट बहुत अवेयर हो रही है आजकल, अभी गवर्नमेंट डेली नए आईटी लॉज के फोकस कर रही है. इसके अंदर बट अब क्या हो गया, अब हमेशा आपसे पहले परमिशन ली जाएगी, उसके बिना वो नहीं यूज करेंगे. कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं आप, वो ऐप आपसे पहले पूछती है इट वॉन्ट्स टू यूज योर लोकेशन. पहले ऐसा नहीं था, पहले वो ऐप यूज करती थी, अब गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए. तो आपको ध्यान रखना है अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाके लोकेशंस को आप क्लिक करेंगे तो कौन कौन सी ऐप उसको यूज कर रही है आपको साइड में दिखेगा. अगर आप नहीं चाहते उस ऐप्स को कि वो आपकी लोकेशन को ट्रेस करे, आप प्लीज उसको ऑफ करिए. वाईफाई का जो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आप सारी ऐप्स को इंटरनेट हर वक्त यूज करने का फैसिलिटी मत दीजिए. सिर्फ जो ऐप्स आपकी बहुत फ्रीक्वेंट है, जैसे कि आप मान लीजिए व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो सिर्फ व्हाट्सएप ही करिए ना. अगर आप जाएंगे मोबाइल की सेटिंग में देखेंगे तो आपको दिखेगा ना कि सिर्फ ये. अगर मैंने मान लीजिए मिल्क बास्केट इंस्टॉल किया हुआ है तो वो भी मेरा 24 hours डेटा यूज कर रहा है, फुल टाइम कनेक्टेड है. कोई न्यूज ले रखा है तो न्यूज चैनल चलेगा, यूट्यूब चलेगा. तो अगर आपकी वो वाली एप्लीकेशन आप नहीं चाहते कि वो करे तो आप उसको ऑफ कर दीजिए. मतलब अननेसेसरली लोकेशन ऑफ, डेटा एक्सेस ऑफ, वहां पे आप जाके सेटिंग्स में ऑफ करिए तो आप मोर सिक्योर रहेंगे. और गवर्नमेंट भी अब बहुत सजग हो रही है, बहुत नए लॉज लेके आ रही है, अब इतना आसान नहीं है. आपको ध्यान होगा जब अभी जब मार्क जुकरबर्ग से जब डोनाल्ड ट्रंप की विन हुई थी तो उनसे पूछा गया था दैट बिजनेस एनालिटिका हैज यूज दैट डेटा एंड दैट ही हिमसेल्फ एक्नॉलेज दैट यस वी हैव गिवन दिस डेटा टू बिजनेस एनालिटिका डिपार्टमेंट who use this कि उसके Facebook पे क्या sentiments हैं और उसके हिसाब से data को sentiment analysis algorithm चलाए गए और कुछ उसकी कुछ help मिली उनको win करने में. पर परंतु अब ऐसा नहीं है. आपने अभी कुछ दिन पहले news में पढ़ा होगा the now Australian government is saying to the Google that you can't use the news and throw it because you have to pay to that agency who is sponsoring that news. यानी ये सब क्या है, ये इस बात का example है that government is now aware day by day, every day they are being, you know, they are making laws. Okay, ऐसा मेरा समझना है कि जब हम किसी से कन्वर्सेशन करते हैं फोन पर तो कई बार क्या हमारे को AI spy करता है उस कन्वर्सेशन को और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करता है, क्योंकि हम अगर कुछ सर्च करते हैं गूगल के थ्रू कर रखी है तो अगर आपने जाने अनजाने में कोई ऐसी डाउनलोड की हुई है तो ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा. ये आप ही की तरफ से कोई ऐसी ऐप डाउनलोड हो गई है
कभी लेट से आपने ट्रांसलेटर डाउनलोड कर लिया कोई नॉर्मल सा लोकल, फिर आपने कोई भी इस तरह की कोई ऐप थी डाउनलोड कर लिया, आप उसको यूज कर रहे हैं, यस इजली, और आपने उसको अलाउ किया, आपने सुना तो आपको सुन रहा है, आप उसके बाद करें ना करें, इट इज लिसनिंग यू, इट इज यूजिंग दैट डेटा। इसीलिए आपको ये बात अवेयर रखनी है कि मैंने किस किस ऐप को कितना कितना राइट्स ग्रांट करना है। आप मोबाइल की सेटिंग्स को बहुत अच्छे से खंगालिए और जिसको जितना राइट्स देना है उतना ही दीजिए। जैसे कि 360 ऐप आप उसको यूज करते हैं, अपने और अपने घर वाले सब हस्बैंड बच्चे कनेक्टेड रहे, पता रहे मेरी बेटी है, जैसे मैं मेरी बेटी बेंगलोर में है और वो आज मान लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रही है, तो मैं वो 360 ऐप उसकी ऑन करवा के रखती हूँ ताकि मैं ट्रेस करती रहूं कि मेरी बेटी जहां भी है सुरक्षित रहे। लेकिन जब वो घर पहुंच जाए तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि उसको हम ऑफ कर दें, वो मुझे बिना उसके यूज ना करता रहे, ट्रेस करता रहे, है ना। आप किसी भी ऐप को डाउनलोड करें, इसलिए ये सब सारा खेल उन एप्स का है जो आपने नोइंगली अनोइंगली अपने मोबाइल में डाउनलोड कर ली, और डाउनलोड करने के बाद जब वो आपसे वेरियस ऑप्शंस पूछ रहा था आपने बस यस 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 क्लिक करते चले गए लापरवाही में। ये सारा खेल उन एप्स का है, इसमें कुछ ऐप सही भी हैं, कुछ ऐप्स गलत भी हैं। गूगल पे आप पढ़िए, गूगल प्ले स्टोर पे हर रोज ऐसी हजारों एप्स हैं जिसको टारगेट किया जाता है उनकी फिशी एक्टिविटीज के लिए और अब हटाया जाता है। गूगल खुद अपने आप में स्ट्रगल कर रहा है ऐसी फिशी एप्स को ढूंढने में, बट यस वो चोर है, वो नई ऐप बनाता है, आपको फांसता है, आपके डेटा को लेता है और उस डेटा को ब्रीच करता है। इसलिए किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी जरूर चेक करें, उसके रिव्यू जरूर पढ़ें कि वो ऐप वाकई में क्या है। गूगल पे आपको उस ऐप के बारे में बहुत सारे रिव्यूज मिल जाएंगे। एकदम से मुझे लेट्स से बाथरूम क्लीनर चाहिए, मैंने क्या किया, दो मिनट में गई और मैंने बाथरूम क्लीनर डालना चाहा, ऐसा मत करिए। आपको जो भी चाहिए उसके लिए आप अर्बन क्लैब अगर ऐप जा रहे हैं तो पहले उसके रिव्यूज पढ़िए, देखिए कि वो एक ऑथेंटिक ऐप है, उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिए। किसी भी ऐप को अपने फोन में डाउनलोड ना करें, और प्लीज डाउनलोड करने के बाद जाने अनजाने में जल्दी जल्दी में यस 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 पे क्लिक अर्गिज ना करें। वो आपसे उस टाइम यही पूछ रहा होता है कि आपके कॉन्टैक्ट यूज कर लूं, और आप बोलते हो यस, तो यस में तो सब गए आपके कॉन्टैक्ट। फिर वो आपसे पूछता है कि आपकी लोकेशन, कैन आई हैव एक्सेस टू लोकेशन, आप बोलते हो यस, क्योंकि आप डेस्परेट होते हो उस ऐप को यूज करने के लिए। बट मेरा गैस स्टोव खराब हो गया है, मैंने ग्लेन की ऐप डाउनलोड करनी है, मैंने लिखा ऐप के ऊपर कि मेरे को ये गैस स्टोव रिपेयर, और मैंने सोचा भी नहीं कि मैं ग्लेन की एक्चुअल ऐप पे आई कि नहीं आई, जो पहली पहली गैस स्टोव रिपेयर पे मिला मैं उसी पे चली गई, और उसके बाद क्या पता वो फिशी ऐप थी, मतलब वो नाम उसका ग्लेन ना होके GLEN की जगह GLENE हल्का सा कहीं लिखा हुआ, मैंने स्पेलिंग सोची नहीं कि गलत हो सकता है, मैंने सोचा यही ग्लेन की ऐप है, मैंने डाउनलोड कर दी और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दी और अपनी प्रॉब्लम भी शेयर कर दी। उसने मुझसे पूछा आई वॉन्ट टू एक्सेस दिस 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 दिस, मैंने कहा यस 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 यस, हुआ क्या, वो एक फिशी ऐप थी। गूगल रोज हजारों एप्स को अपने ऐप स्टोर से हटाता है, लेकिन फिर आपको मैं कहूंगी कि वो लोग चोर हैं जो फिशी ऐप बनाते हैं, वो बनाते हैं और ऐप डालते हैं, और आपको वो एक पेज रैंकिंग एल्गोरिथम्स बैकग्राउंड में काम करते हैं, वो उससे इतनी खूबसूरती से खेलते हैं कि वो आपको एक्चुअल तो नीचे पहुंच जाता है जो जो उसका ऑफिशियल वेबसाइट होता है, और जो अनऑफिशियल हैकिंग वाला वेबसाइट होता है वो ऊपर आ जाता है, और आप सोचते हैं आपने ग्लेन लिखा वो आप अनजाने में उसी पे क्लिक कर बैठते हैं बिना स्पेलिंग के ऊपर गौर किए, और स्पेलिंग में स्मॉल माइनॉट माइनर मिस्टेक डालता है, कहीं ई कहीं ए कहीं आई स्लाइट चेंज करके एंड देन दे टू। सो बस यही सजेस्ट करूंगी कि किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी, किसी भी ऐप को राइट ग्रांट करने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी को बार बार रीअश्योर करें, अदरवाइज कोई आपका डेटा नहीं ले सकता, आपकी आवाज नहीं सुन सकता। आई हैव अ क्वेश्चन मैम, मुझे प्रोसीजर लाइट नहीं, यस ये क्वेश्चन किस स्टेशन से है, प्लीज अपना नाम और या जीसी अगरतला, जीसी अगरतला, ओके या गुड आफ्टरनून मैम। Yeah, ma'am, I have a question. There are certain jobs which definitely AI is going to take up. There are certain places where which will be replaced by AI. तो जरा उस पे आप रोशनी डाल सकती हैं कि किस तरह के ऐसे वर्क होंगे जो एआई डेफिनेटली ले लेगा आगे आने वाले समय पे, क्योंकि हमें मालूम है कुछ इंजीनियर्स हैं जिनके जॉब्स गए हैं इनकी वजह से, मतलब अच्छे डिग्री होल्डर्स लोगों की नौकरियां गई हैं,
तो हमारे अभी अगर फैमिलीज और हमारे बच्चे जो अभी इस करियर वाले दौर में एंटर कर रहे हैं, तो उनको अगर ये आइडिया हो कि किस तरह का जॉब्स एक्चुअली एआई ले लेगा, तो इट वुड बी नाइस ऑफ यू इफ यू कुड पुट अ थ्रो सम जॉब ऑटोमेटिव है जिसमें काम फिक्स है, वो जॉब एआई ले लेगा। जैसे हम कॉल सेंटर पे हम कॉल करते हैं, अब पता है उसने मुझसे पूछा क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैंने बताया ये आ रही है, मैं आपकी क्या क्या सहायता कर सकता हूँ, अच्छा मैं आपको ये वाली आ रही है मैं इससे कनेक्ट करता हूँ। ये एक ऑटोमेटिव जॉब है। अगर मेरे को फोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो नंबर एक पे जाना है, इंटरनेट से है तो नंबर दो पे जाना है, तो मैं अगर मेरे को कॉल सेंटर वाला जो आदमी था जो पर्सन था उस टास्क है वहां वो जॉब डेफिनेटली एआई ले लेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि उसे ले भी लेना चाहिए। हमारा वी आर ह्यूमन, वी आर मच लार्जर देन दिस मशीन, वी शुड बी स्पेयर्ड टू डू मच मोर बेटर वर्क। सो व्हाई शुड वी डू दैट ऑटोमेटेड टास्क? बट मैम, आप जैसे क्रिएटिव वर्क है, राइटिंग पोएट्री और राइटिंग एन आर्टिकल, दीज थिंग्स आर आल्सो बीइंग टेकन अप बाय एआई। वो क्रिएटिविटी फिर आप ये देखिए, पोएट्री और इसकी आप बात कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है। अब टर्निट ने टर्निट इन सॉफ्टवेयर जो है, जो कि हमारा प्लैगरिज्म चेक करता है, उसने अलग से एक और प्लैगरिज्म में एक नई ब्रांच खोल दी है व्हिच इज बीइंग नोन एज एआई प्लैगरिज्म। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को चैट जीपीटी से बनवाएंगे और उसको लगाएंगे टर्निट इन के अंदर, तो वो आपको ऑटोमेटिकली दिखा देगा इट हैज एआई प्लैगरिज्म। मतलब प्लैगरिज्म तो उसमें नहीं है, बट इसमें एआई प्लैगरिज्म है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरे मान लीजिए मेरे अंडर में 8 पीएचडी स्कॉलर्स हैं एंड दे आर डूइंग देयर रिसर्च, दे राइट दैट मैन्युस्क्रिप्ट, जो भी रिसर्च होती है उसका आउटपुट आता है। सो बिफोर दे सेंड देयर मैन्युस्क्रिप्ट टू सम पब्लिकेशन, टू सम जर्नल, एज अ माय ड्यूटी एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, मेरे को रीअश्योर करना पड़ता है कि उसके अंदर प्लैगरिज्म नहीं हो। बिकॉज अगर वो प्लैगरिज्म होगा तो टुमारो आई मे बी यू नो गेट आउट ऑफ माई जॉब, आई एम नॉट अलाउड टू डू दैट। इट्स इंक्रीज योर जॉब। हाँ जी, तो मैं अपने स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, रिक्वेस्ट नहीं, एज अ गाइड इंश्योर करती हूँ कि फर्स्ट आई वांट टू सी दैट टर्निट इन रिपोर्ट बिफोर आई अलाउ यू टू सबमिट दैट पब्लिकेशन मैन्युस्क्रिप्ट टू सम पब्लिकेशन। नाउ व्हाट आर द, इफ माय स्कॉलर इज यूजिंग द, लेट्स से इफ यूजिंग दिस चैट जीपीटी, और उसको वो पैराग्राफ लिखने का मूड नहीं था और उसने तुरंत फटाफट चैट जीपीटी से जनरेट किया फ्यूचर स्कोप समथिंग समथिंग और वो लिख दिया और आके मेरे को मैन्युस्क्रिप्ट 13 पेज का दे दिया कि मैम इसको सबमिट कर दूं। मैंने उस मैन्युस्क्रिप्ट को टर्निट इन में लगाया। आप बिलीव मानिए, आप करके देखिएगा वो टर्निट इन के अंदर, एंड इफ यू वांट आई कैन ऑलवेज एक्सेस मेरा, मतलब आई कैन ऑलवेज शेयर यू दोज रिपोर्ट्स, उसमें आपको एआई प्लैगरिज्म नाम से वो दिखा देता है कि ये वाला पैराग्राफ चैट जीपीटी से जनरेट हुआ है। सो बट मैम, ये स्कूल और कॉलेज लेवल में भी तो बच्चे भी इसी उसको फॉलो करके दे आर आंसरिंग। जी, मैं मानती हूँ कि ये अवेयरनेस अभी स्कूल लेवल पे इतनी नहीं आ पाई है। हम जो रिसर्च का काम कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज में बैठे हैं, उनको तो ये बात पता है, बट स्कूल लेवल पे आ जाएगी धीरे धीरे। हम ही सब लोग मिलके ऐसे प्रोग्राम्स होते रहेंगे तो अवेयरनेस डेफिनेटली आती रहेगी। बच्चे मैम यूज करने लग गए हैं बुरी तरह से, उनका अपना क्रिएटिविटी बिकॉज ऑफ दिस इज एक्चुअली, हाउ कैन दिस बी मॉनिटर्ड, दैट इज व्हाट आई वाज आल्सो यू नो टर्न इट इन के अंदर उस बच्चे की पोयम को लगाएगी तो डेफिनेटली उसको पता चल जाएगा कि ये बच्चे की पोयम नहीं है, चैट जीपीटी की पोयम है। सो ये अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है हमें कि ऐसे प्लैगरिज्म को पकड़ना भी आसान है। दिस काइंड ऑफ प्लैगरिज्म इज आल्सो बीइंग कॉट एंड दे हैव क्रिएटेड अ न्यू काइंड ऑफ एरिया व्हिच इज बीइंग नोन एज एआई प्लैगरिज्म एंड इट इज वेरी मच देयर। हमें वो अवेयरनेस लाने की जरूरत है बेसिकली, उस बीच में हमें पता होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। मतलब उस बच्चे की पोयम लेने से पहले मैं खुद भी चेक कर लूं, अगर उस स्कूल टीचर को ये बात पता होगी तो मुझे लगता है ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। यस मैम, थैंक यू। बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं गार्बेज डिस्पोजल के ऊपर। एक तो जैसे मैंने आपको यही बताया कि सेंसर्स लगे हुए हैं, जैसे अमोनिया सेंसर्स आपने बाथरूम में बताए, हम लोग सब्जी मंडी में जाते हैं वहां से वेट हमेशा जनरेट होता है, वेट गार्बेज इतना ज्यादा जनरेट होता है, तो वहीं पे कोई कंपोस्टिंग मशीन हो उसके साथ उसको अटैच कर दिया जाए, क्योंकि हर घर में, हर कॉलोनी में, एंड मतलब हमारे यहाँ जैसे गुड़गांव में एमसीजी की स्ट्राइक्स हो गई थी तो पूरा ढेर लग गया था वहाँ पे, तो उसके बाद स्ट्राइक खत्म हुई, बट इट वॉज लाइक मार्केट से हमने सब्जियाँ खरीदनी छोड़ दी वहाँ से,
इतनी बदबू आती थी, लोग वहीं बैठे रहते थे। बट उसके साथ ये था कि अगर कंपोस्टिंग मशीन होती तो वहीं से आप कंपोस्ट करके एटलीस्ट जो प्लास्टिक छोड़ देते, बट वेट वाला तो यूज हो सकता था। एक तो उसमें ये कहूंगी कि इट इज मोर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। एआई ने इसमें कहां असिस्ट किया मैं आपको बता देती हूँ। बहुत अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी जगह पे जहाँ पे भी वेस्ट इकट्ठा होता है वहां पे आप पढ़ेंगे आपको दिखेगा स्मार्ट सेग्रीगेटर सिस्टम लग गए हैं। उसमें क्या होता है, सारा कचरा आता है, ऑटोमेटिकली सेंसर्स हैं। इफ इट इज तो सेंसर्स के बाद उसके चार, लेट्स से चार आउटलेट है। तो इफ इट इज अ मेटल इट विल गो इन ए, इफ इट इज अ प्लास्टिक इट विल गो इन सी, इफ इट इज वेट इट इज गो इन डी। स्मार्ट एग्रीकल्चर इसको वेस्ट सेग्रीगेटर सिस्टम बोलते हैं। जैसे बायोमेडिकल वेस्ट का सेग्रीगेशन पहले ही होता है, ये तो बन गए हैं, बट नॉट फॉर द पब्लिक। Exactly. ऐसी जगह पे हम लोग मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे प्रोटोटाइप्स बना रहे हैं इंडिया में, अभी इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। कॉलेजेस में आप देखेंगे तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक जिसमें बच्चे काम करते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं। दे मेक सर्वो मोटर, दे मेक फोर पॉइंट्स ऑफ दैट सर्वो मोटर, दे कनेक्ट विद द सेंसर, देन वो अगर जितना सर्वो मोटर में एंगल डाल देते हैं देन अकॉर्डिंगली दैट डिस्पैच इट। सो अभी आजकल बहुत है, मतलब आउट ऑफ इंडिया का मुझे लगता है कि हर सोसाइटी में, हर कॉलोनीज में आरडब्ल्यू एसोसिएशन के साथ होना चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस। स्मार्ट सेग्रीगेटर्स होने चाहिए, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, होने चाहिए, टेक टाइम बट होने चाहिए। थैंक यू मैम। तो सुविधा के साथ सावधानी, ये हमारे लिए दोनों ही उतनी आवश्यक है। और जैसे अभी रिसेंटली गार्बेज सेग्रीगेशन की मैम पॉइंट बता रहे थे, तो निश्चित रूप से हमारे भी ग्रुप सेंटर्स या जो भी हमारे ऐसे फैमिली सेंटर्स हैं जो कि अपने आप में बहुत बड़ा वेस्ट मटेरियल मैनेजमेंट के लिए प्लेसेस हैं, और वहाँ भी कई जगह पे कई ग्रुप सेंटर्स, रिंगल कावा सेंटर्स में भी ये सेग्रीगेशन का तो हो रहा है, बट इस तरीके से जो आप मैम बता रही हैं कि सेंसर डेवलप करते हुए कि हम उसको इस तरीके से सेग्रीगेट करें कि हर मटेरियल अपने अपने उस बीन में जाके जाए, कलेक्टेड हो और फिर वो डिस्पोज हो। नाउ समय की थोड़ी कमी है और मुझे लगता है कि अभी कोई सवाल अगर हमारे किसी स्टेशन से बचा हुआ हो तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे कावा की ऑफिशियल जो मेल आईडी है crpfwwa@gmail.com उस पर आप हमें मेल कर सकते हैं, ताकि हम बाद में भी अपने स्पीकर से उनके जवाब लेके आपको हम सूचित कर देंगे। आप सबके लिए जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि चूंकि आप अभी हमें लाइव देख रहे हैं, बट हमारा ये रिकॉर्डेड सेशन जो है वो कावा के साइट पे भी अपलोड होता है। तो जो ऐसे आप लोग जो देख रहे हैं, जो आपके करीबी हैं, जो इस मौके को शायद नहीं उपलब्ध होंगे, तो आप उन्हें बाद में भी शेयर कर सकते हैं कि हमारी ये लेक्चर सीरीज जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज हमारे इस सेशन के बाद हमारी वेबसाइट पे भी अपलोड रहती है, ताकि आप भविष्य में भी चाहे तो इस लेक्चर को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अब मैं प्रोग्राम पे आगे बढ़ते हुए अनुरोध करना चाहूंगा प्रेसिडेंट सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन श्रीमती रिमझिम सिंह से कि वे आज के इस कार्यक्रम के आयोजन तथा मुख्य व्याख्याता द्वारा दिए गए व्याख्यान के संदर्भ में अपना मंतव्य हम सभी से साझा करें। ओवर टू प्रेजेंट कावा। वाइस प्रेसिडेंट कावा श्रीमती साक्षी को, आज के कार्यक्रम के मेंटर श्रीमती रक्षा हैदरी, सभी सीईसी मेंबर्स, आज के कार्यक्रम की स्पीकर प्रोफेसर अनुराधा चौ, वेबिनार से जुड़ी सभी जोनल एवं रीजनल सीडब्ल्यूए हेड्स, समस्त कावा परिवार, सीआरपीएफ के ऑफिसर्स तथा जवान एवं उनके परिवारजन, आप सभी को मेरा नमस्कार है। मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि आप सभी प्रत्येक माह आयोजित किए जाने वाले लेक्चर सीरीज में बहुत उत्साह से भाग लेते हैं। कावा द्वारा हर माह सीआरपीएफ कार्मिकों के परिवारजनों के ज्ञानवर्धन हेतु अलग अलग विषय पर इन लेक्चर्स का आयोजन किया जाता है। हम सभी के जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग एवं इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आज वेबिनार का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम आप सभी की भागीदारी से सफल हुआ है, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे जाने अनजाने हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। ये हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होने के साथ साथ खतरनाक भी साबित हो सकता है। इसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए इसकी पूर्ण जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। मैं आशा करती हूँ कि आज के लेक्चर के माध्यम से मिली जानकारी आप सभी के लिए लाभप्रद साबित होगी। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे तथा नुकसान के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करें
तथा अपने परिवारजनों एवं आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। मैं आज के कार्यक्रम की मेंटर श्रीमती दरक्षा हैदरी, जोनल हेड जेएनके जोन एवं कोऑर्डिनेटर श्रीमती आशा से, आरसीडब्ल्यूए हेड जीसी न्यू दिल्ली का इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आयोजित करवाने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। विशेष तौर पर प्रोफेसर अनुराधा चुग का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी से साझा की, जिसका हम सभी के जीवन पर अवश्य ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अंत में मैं एक बार फिर आज के कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आप सभी को बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू मैम। और अब मैं प्रेसिडेंट कावा से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे हमारे आज के स्पीकर प्रोफेसर अनुराधा चुग को कावा की स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। अच्छे से समझाया, मतलब हम लोग तो ऑल हाउसवाइफ्स तो कितना पढ़ते हैं या लोगों से सुनते हैं, बच्चे सिखा देते हैं ये चीजें जो भी, बट वर्किंग लेडीज इट्स इजीियर फॉर देम, बट फॉर अस नॉन वर्किंग लेडीज हाउसवाइफ्स फायदा तो है ही। थैंक यू सो मच मैम। और कार्यक्रम के अंत में मैं श्रीमती भारती शर्मा ऑनरेबल सेक्रेटरी कावा से धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध करना चाहूंगा। ओवर टू श्रीमती भारती शर्मा। आदरणीय श्रीमती रिमझिम सिंह अध्यक्षा कावा, उपाध्यक्षा कावा श्रीमती मीनाक्षी मैम, आज के कार्यक्रम की मुख्य व्याख्याता प्रोफेसर अनुराधा चुग, कावा की सभी सम्मानित शीर्ष सदस्याएं, वेबिनार के माध्यम से जुड़े सभी जोनल हेड्स तथा रीजनल कावा हेड सीआरपीएफ अधिकारीगण, कार्मिक एवं समस्त पारिवारिक सदस्यों का और एवं बच्चों का मैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। प्रोफेसर अनुराधा चुग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करी और पूछे गए प्रश्नों पर जानकारी दी, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूरी उम्मीद है कि हम सभी उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य और सुझावों से लाभान्वित हुए हैं। अंत में मैं पुनः प्रेसिडेंट कावा मैम की ओर से इस कार्यक्रम के मेंटर श्रीमती डायरेक्शन हैदरी, सीसी मेंबर्स, सीडब्ल्यूए आईटी ब्रांच एवं वेबिनार से जुड़े सभी जोनल एंड रीजनल सीडब्ल्यूए हेड्स, सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारीगण, कार्मिक एवं समस्त पारिवारिक जनों का कार्यक्रम में शामिल होने और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच मैम। और इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। जुड़ने के लिए आप सभी का एक बार पुनः शुक्रिया। नमस्कार।